आज से कुछ सालों पहले मैंने इंटरनेट पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट देखा था, जिसके अकॉर्डिंग हम हमेशा एक परफेक्ट टाइम की खोज में लगे रहते हैं, मगर साला वो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। इसीलिए मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही काम करके पैसे सेव करना शुरू कर दिया था, और आज कुछ सालों बाद मेरा वो परफेक्ट टाइम आ गया है, बिकॉज़ आई हैव फाइनली क्विट माय जॉब टू ट्रैवल। सो फ्रॉम टुमारो आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज कॉल्ड 100 डेज ऑफ ड्रीमिंग, वेयर आई विल बी गोइंग ऑन अ सोलो बैकपैकिंग एडवेंचर ऑल अक्रॉस इंडिया फॉर द नेक्स्ट 100 डेज। द आईडिया इज टू सी, कनेक्ट एंड अप्रिशिएट लाइफ दैट वे। So, मिलते हैं कल से फॉर द नेक्स्ट 100 डेज ऑफ एडवेंचर, 100 डेज ऑफ ड्रीमिंग। अपने नेक्स्ट 100 डेज के एडवेंचर शुरू करने से पहले एक सुबह टाइम से उठ जाने के बाद भी मेरा बेड से निकलने का मन नहीं हुआ। अक्सर ऐसा ही होता है मेरे साथ जब घर छोड़कर कहीं लंबे टाइम के लिए जाना होता है, मन करता है जरा और देर रुक जाऊं उस रूम में, उस किचन में, उस डाइनिंग टेबल पर जरा और देर बैठ जाऊं। पर कहते हैं ना कि लाइफ आपके कंफर्ट जोन के बाहर ही स्टार्ट होती है, इसलिए निकल पड़ा हूं मैं इस जर्नी पर। कल से मिलते हैं डेली फॉर द नेक्स्ट 100 डेज। अब वैसे तो इंडियन रेलवे की एक सर्टेन इमेज मेरे दिमाग में बनी हुई थी, पर वो इमेज तुरंत ही टूट जाती है जैसे ही मैं इस गाड़ी के अंदर पैर रखता हूं। वंदे भारत एक्सप्रेस, इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन। ट्रेन के अंदर घुसते ही एक चाय के साथ मेरा वेलकम किया जाता है, और अभी मैंने वही चाय का कम खत्म करके रखा ही होता है कि ब्रेकफास्ट मेरे सामने आ जाता है। मैं सोचता हूँ भला इससे बढ़िया क्या हो सकता है, पर भैया तभी एक जूस का पैकेट लाके मेरे हाथ में थमा देते हैं, जिसको पीते पीते मैं ट्रेन की एमिनिटीज चेक कर ही रहा होता हूँ कि तभी लंच आ जाता है। भाई मैं सोचता हूँ 8 घंटे की इस छोटी सी राइड में और तो क्या ही हो जाएगा, ये तो बहुत कमाल हो चुका है। पर नहीं, यहाँ पर भैया जी मेरे को एक आइसक्रीम भी ला के दे देते हैं, वो भी बड़ा वाला कप। इस कमाल की जर्नी के बाद ये बात तो पक्का है कि मैं इंडिगो या फिर और कोई सस्ती फ्लाइट आज के बाद नहीं लेने वाला। इंडियन रेलवे जिंदाबाद। अपने जब इन 100 दिन के एडवेंचर की शुरुआत करने की बारी आई तो न जाने क्यों शहर बनारस का ही ख्याल आया। यहाँ की घाट अपने आप में ही एक पूरी दुनिया है। यहाँ संगीत है, आर्ट है, हर एक गली में छुपी कुछ अलग ही बात है। फिर ऐसे ही गली गली घूमता मैं पहुंच जाता हूँ मुमुक्षी भवन। यहाँ पर मुझे मिलते हैं दिनेश जी, जो कि मुझे बड़े ही अच्छे से पूरा कैंपस दिखाते हैं और बताते हैं कि ये एक मोक्ष भवन है, जिसका मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ रहकर लोग अपनी मौत का इंतजार करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी मौत काशी में होती है तो बर्थ रीबर्थ की साइकिल से लिबरेट होकर मोक्ष मिलता है, जिसे काशी लाभ कहते हैं। है ना कमाल का शहरी। बनारस के इस हॉस्टल में मुझे मिलते हैं रोहित भाई, जो कि कमाल के आर्किटेक्ट हैं। एक सुबह इनके दोस्त के साथ हम तीनों बाइक पर निकल जाते हैं ये शहर घूमने। फिर घाट घाट होते हुए हम पहुंचते हैं मणिकर्णिका घाट, जहां पर हमें ये बात पता चलती है कि इस घाट पर चिता की अग्नि हमेशा जलती रहती है, हजारों सालों से ऐसा ही है। कुछ देर वहां रुक रोहित भाई कहते हैं कि ये सोचने वाली बात है कि जब इंसान को एक दिन ये शरीर छोड़कर जाना ही है तो उससे पहले क्यों ना ये जीवन जी खोल कर जिया जाए। हल्का मुस्कुराकर मुझसे कहते हैं कि उन्हें अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी जीवन के साथ वही करने की कोशिश कर रहा हूं। बनारस के घाट पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट का मैच देख रहा होता हूँ कि तभी मेरे को मेरे फ्रेंड बाबा का कॉल आता है। हेलो। अब बाबा ने बनारस में काफी टाइम स्पेंड किया है, इसलिए वो मुझे ब्लू लस्सी शॉप रेकमेंड करता है। भाई ब्लू लस्सी ना बनारस की बेस्ट लस्सी शॉप है, वो मत मिस करियो। अब वैसे तो मुझे इसकी रेकमेंडेशन पे कोई खास यकीन नहीं था, मगर क्रिकेट का मैच खत्म हो चुका था तो इसलिए फिर मैं 2 किलोमीटर पैदल चल के बोट से नदी पार करके गलियों गलियों में भटक के फाइनली पहुंचता हूं ब्लू लस्सी शॉप। इन दीवारों पर लगे हैं यहां आए विजिटर्स की फोटो, इसलिए मैं भी अपने ट्रिप का एक छोटा सा मार्क इन दीवार पर छोड़ देता हूं और 100 से ज्यादा अवेलेबल लस्सी में से एक लस्सी पीता हूं। ओ भाई वो कमाल की लस्सी पीकर मैं खाली भैया से एक ही चीज कह पाता हूं कि भैया जी एक और लस्सी हो जाए। बनारस के अपने हॉस्टल में बैठ के मस्त अपना काम कर रहा होता हूँ, तभी मेरे पीछे बैठे ये बच्चे स्पीकर पर बादशाह बजा देते हैं। नौ एकड़ में फारम, फारम पे घोड़े, घोड़े पे चढ़ेगी क्या? नहीं भाई नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो मैं अपने हॉस्टल से निकल के भागा भागा घाट की तरफ जाता हूँ, जहाँ पर मेरे को एक बोट वाले भैया जी मिलते हैं। मेरी सैड सी हॉस्टल की कहानी सुनने के बाद भैया जी कहते हैं कि आइए हमारी बोट पर, हम आपको असली संगीत सुनाते हैं।
मुरा कैसे लगो रे पिया 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 यह बनारस बना हुआ। गंगा जी में बोट पर बैठे बैठे भैया जी की आवाज को सुनकर मन को सुकून मिलता है और खानों को शांति। एक सुबह बनारस के मंदिर में अपनी फेवरेट चप्पल उतारकर दर्शन करने जाता हूँ, पर जब कुछ ही मिनटों बाद दर्शन करके बाहर निकलता हूँ तो चप्पल कहाँ गई बे? फिर कुछ देर वहीं नंगे पैर बैठकर सोचता हूँ कि अब क्या किया जाए। तो फिर मैं भी वही करता हूँ जो किसी ने मेरे साथ किया था। किसी और की चप्पल पहन के मैं निकल ही रहा होता हूँ तभी ये पंडित जी मेरे को आवाज देकर बुलाते हैं। मेरे को लगता है अब तो मेरी वाट लगी, पर नहीं, पंडित जी एक्चुअली मेरे को मंदिर के बारे में थोड़ी सी बातें बताते हैं और फिर गली गली ले जाते हैं छुपे हुए मंदिर दिखाने के लिए। ये है तुलसीदास का मंदिर। अच्छा, ये मंदिर है, ये तुलसीदास का मंदिर है। फिर अंत में वो मुझे तुलसीदास जी के मंदिर लेके जाते हैं जहाँ पर एक्चुअली उन्होंने बैठकर रामचरितमानस लिखी है। ये सोलो ट्रैवलिंग भी कमाल है, अगर मैं ये सोलो नहीं आया होता तो ये एक्सपीरियंस करने को कभी नहीं मिलता। एक हफ्ता बनारस के अंदर बिताने के बाद आज टाइम आ गया है अपनी 100 दिन की इस जर्नी में आगे बढ़ने का। इसीलिए फिर मैं एक स्मार्ट ट्रैवलर की तरह टाइम से रेलवे स्टेशन पहुंच जाता हूं, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पता चलता है कि मेरी ट्रेन 1 घंटा लेट है, फिर 2 घंटा लेट होती है, फिर 3 घंटा लेट होती है, 4, 5, 6, 7 फाइनली मेरी ट्रेन स्टेशन पर आती है 8 घंटे बाद। पर इन 8 घंटों के अंदर मैंने ये तो जरूर सीख लिया कि कभी भी अगर इंडियन रेलवे के साथ आपकी जर्नी हो तो लाइव ट्रेन पे स्टेटस चेक करते रहना चाहिए। पर खैर, अब मेरी ट्रेन आ चुकी है तो मैं ट्रेन बोर्ड करता हूँ और कल देखते हैं कि मैं एक्चुअली नेक्स्ट कहाँ जा रहा हूँ। थोड़ा सा झुकते हुए मैं ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में चढ़ता हूँ। लोगों ने कहा था कि ट्रेन के अंदर अपने सामान का खासा ध्यान रखना, क्योंकि अगर जरा सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी, क्योंकि अब पता नहीं है ना कि ट्रेन में किस तरह के लोग तुम्हें मिले। पर अभी ट्रेन में कुछ 1 घंटा ही बिताया होता है कि एक खीरे की वजह से मेरी मेरे साथ बैठे लोगों से बढ़िया दोस्ती हो जाती है। मैं उनका MX टकाटक फॉलो करता हूँ और बदले में उनसे अपना YouTube भी सब्सक्राइब करवा देता हूँ। थोड़ी ही देर में विंडो सीट भी मिल जाती है और मैं सोचता हूँ कि भाई ये इतना भी चैलेंजिंग तो नहीं था। तभी पता नहीं कहाँ से बाथरूम का सारा पानी हमारे कंपार्टमेंट में घुस जाता है और मेरे बैग की कुछ इस तरह की हालत कर देता है, और थोड़ी ही देर में एक क्यूट सी दिखती हुई बच्ची मेरे ऊपर सुसु करती है। और ये जो लौकिया ट्रेन में फैली हुई दिख रही है इसकी भी एक अलग कहानी है, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा भाई। जैसे तैसे वो यादगार थी रात निकाल कर सुबह सुबह मैं पहुंच जाता हूं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन गुवाहाटी। अपनी कभी ना भूलने वाली ट्रेन का सफर पूरा करके मैं पहुंचता हूं गुवाहाटी, जहां पर रोडों की हालत कुछ इस तरह की होती है। कोई भी ऑटो वाला मेरे को मेरे हॉस्टल तक जाने के लिए रेडी नहीं होता भाई, कहते हैं कि रोड बहुत ही ज्यादा खराब है, हम नहीं जाएंगे। मैं सोचता हूँ अब क्या किया जाए। आइडिया, मैं डिसाइड करता हूँ कि गुवाहाटी को ऑल ओवर स्किप कर दिया जाए और चलते हैं स्ट्रेट टू शिलोंग, जो कि गुवाहाटी से बस 3 घंटे की दूरी पर है। तो मैं एक शेयर्ड टैक्सी लेता हूँ और बहुत ही सुंदर रोड, बहुत ही सुंदर नजारे देखते हुए पहुंच जाता हूँ शिलोंग के अपने हॉस्टल में, जहां पर भाई साहब लिटरली ऐसा माहौल चल रहा होता है। आने वाले अगले कुछ दिन यहाँ पर कैसे बीतेंगे वो तो आने वाले कुछ दिनों में ही पता लगेगा। फॉलो कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जी, कल मैं अपनी बहुत ही कलरफुल ट्रेन राइड कंप्लीट करके गुवाहाटी से शेयर टैक्सी लेके शिलोंग के अपने इस बहुत ही रंगीन से हॉस्टल में आ तो गया। पर अब शिलोंग घूमने निकलने से पहले एक काम है जो मेरे को आज ही हर हाल में कंप्लीट करना है। क्या हुआ? याद है ना कि ट्रेन में मेरे बैग की क्या हालत हुई थी? अब एक्चुअली उसको धोना भी तो है, और धोकर सुखाना भी तो है। भाई, सुखाना यहाँ पर मेजर चैलेंज है, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि पिछले 3 दिन से यहाँ बारिश जरा भी नहीं रुकी है, मगर आज शायद सूर्यदेव मेरे पे थोड़े मेहरबान है। अभी मैं सारे कपड़े लटका कर निकला ही होता हूँ कि तभी ये हो जाता है, भगवान भी मेरे साथ तरह तरह की गेम खेल रहे हैं। अब यहाँ पर कपड़े कैसे सूखेंगे, कब सूखेंगे, वो जब मुझे पता लगेगा तो मैं आपको भी स्टोरीज में अपडेट दे दूंगा। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। आज मैं जा रहा हूँ शिलोंग से लगभग 350 किलोमीटर दूर तूरा टाउन के सादोलपारा विलेज में गारो ट्राइब के साथ कुछ समय बिताने के लिए, क्योंकि आज से पहले मैंने प्रिटी वाटरफॉल्स तो काफी देखे हैं, मगर मेरे लिए जो एक जगह को स्पेशल बनाता है वो होते हैं वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर। और गारो ट्राइब का कल्चर बहुत ही ज्यादा यूनिक है।
क्योंकि इस गांव में लोग रेज्ड बैम्बू हट्स में रहते हैं और नेचर की पूजा करते हैं। तो इसीलिए निकल गया हूं मैं आज इस एडवेंचर पर, बिना किसी कनेक्शन, बिना कोई प्लानिंग और ज्यादा रिसर्च के। अब रिसर्च कम हो तो वैसे यही होता है। अब देख लो, बस ने भी मुझे सुबह 3:30 बजे यहाँ बस स्टॉप पर उतार दिया है। अब क्या होगा वो तो कल पता चलेगा। तो फॉलो करें, मिलते हैं कल नए वीडियो में। बिना किसी खास प्लानिंग के मैं शिलोंग से 350 किलोमीटर दूर तूरा आ तो गया, और जब यहाँ पर आके मैंने सदुलपारा विलेज के बारे में लोगों से पूछा तो किसी को नहीं पता था उसके बारे में। बहुत सारा दिमाग लगाने के बाद एक टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि उसको उस विलेज के बारे में पता है और वो मेरे को वहां ले जाएगा, बस बदले में 4,500 रुपए लेगा, जो कि मैं टोटली अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैं वहां थोड़ा डिसअपॉइंट होकर बैठ जाता हूँ। कुछ घंटे निकल जाते हैं और मेरे को समझ नहीं आता कि करूं क्या, क्योंकि कोई लोकल बस भी अवेलेबल नहीं थी। तभी मैं अपनी होप्स को गिव अप करता, अचानक से मेरे सामने एक ऑटो आकर रुकता है और मैं पता नहीं क्यों उनसे बस उस विलेज के बारे में पूछ लेता हूँ। दादा, पास में एक गाँव है सदुलपारा करके। हाँ जी है, पता है मुझे। हाँ पता है, और किसी को नहीं पता, आपको पता है सही में? जी जी पता है। चलेंगे? हाँ जी जाना है। सरप्राइजिंगली ऑटो वाले संजय भाई को पता था उस विलेज के बारे में। और फिर देखते ही देखते कुछ 2-3 घंटे के बीच मैं खड़ा होता हूँ गारो ट्राइब के सदुलपारा विलेज में बिना किसी को भी जाने। अब इस गारो ट्राइब के विलेज में किसी को हिंदी नहीं आती और मेरे को गारो नहीं आती, तो विलेजर से कम्युनिकेट किया कैसे जाए? पर उस दिन शायद किस्मत मेरे साथ थी। मेरे एक दो बार रिक्वेस्ट करने के बाद ये गांव वाले भाई जी रेडी हो जाते हैं मेरे को गांव घुमाने के लिए। वो थोड़ी बहुत टूटी फूटी हिंदी में मेरे को गांव के बारे में समझाते हैं और बड़े ही अच्छे से अपने घर में भी बुलाते हैं, पूरा घर दिखाते हैं। दिल्ली नहीं देखा? बहुत दूर, बहुत दूर है, बहुत दूर है। आपका नाम? मेरा नाम रौनक। रौनक। झूठ नहीं बोलूंगा, यहाँ आने से पहले मैं थोड़ा नहीं बहुत सारा डर रहा था, बट मैं यहाँ पर आ गया और क्या कमाल का एक्सपीरियंस मिला है ना मेरे को। अगर इस एक्सपीरियंस के बारे में आपको डिटेल में जाना तो YouTube वीडियो पे चेक कीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट के अंदर यहाँ का मैसिव एक्सपीरियंस शेयर करना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे शिलोंग के हॉस्टल में मेरे को मिलता है मेरे ही जितना एक क्रेजी आदमी राम, क्योंकि दुनिया की वेटेस्ट जगह में वेटेस्ट सीजन के टाइम पे स्कूटी से कहीं पर जाना पागलपन ही होगा। और वही पागलपन करते हुए हम पहुंच जाते हैं इस शानदार सी केव में। यहाँ पर टूरिस्ट की भीड़ देखकर मेरे को तो भाई मजा नहीं आ रहा होता है, मगर तभी राम मेरे को एक सीक्रेट सेकंड केव में लेकर जाता है। अभी हम अकेले उस केव में कुछ फोटोज लेने ही लगे होते हैं कि तभी ये हो जाता है। दोस्तों, ये कोई एडिटिंग का इफेक्ट नहीं है, ये लेजेंड यहाँ केव में। इन सारी केव्स को बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस करने के बाद हम निकल जाते हैं अपनी मोस्ट अवेटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि कल के वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं कल। कुछ दिन ना सचमुच एक सपने के जैसे लगते हैं। यकीन ही नहीं होता कि आज से बस कुछ दिनों पहले मुझे इस जगह के बारे में पता तक नहीं था, कोई बुकिंग नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, और आज अपने होमस्टे से बस 10 कदम लेते ही मैं इस कमाल की चीज के सामने खड़ा हूं, डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। और इसमें कमाल की बात यह है कि इस ब्रिज को बनाने के अंदर किसी स्टील का कोई भी यूज नहीं किया गया है। ये ब्रिज बना है एक्चुअली इस पेड़ की रूट से, और आज भी ये रूट्स अलाइव हैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। आज वाकई में मेरे सीरीज के नाम का मतलब सच लग रहा है। बहुत ही कमाल की जगह है, बहुत शानदार जगह है, बहुत सही। दिस इज जस्ट 1 डे ऑफ मेनी सच डेज ऑफ ड्रीमिंग, 100 डेज ऑफ ड्रीमिंग। कमाल का लिविंग रूट ब्रिज देखकर मस्त जंगल जंगल होता हुआ अपने हॉस्टल वापस जा रहा था। अबे ये ब्रिज कैसे पार होगा भाई? डर से पैर कांपने ही लगे थे कि तभी मेरे को ऋतिक भाई की बात याद आ गई। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। हाँ, अब मेरी बॉटल में माउंटेन ड्यू तो नहीं है, मगर पानी पी के मैं डर को भगाता हूँ और ब्रिज पार करने निकलता हूँ। और फिर कुछ ही देर में वो बहुत ही सिंपल सा रास्ता था, मैंने क्या खूबसूरती के साथ पार कर लिया, मैं बिल्कुल नहीं डरा। वाह 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 वाह। मुस्कुराकर चंद कदम ही आगे बढ़ता हूं कि तभी लेवल 2 की डिफिकल्टी मेरे सामने खड़ी होती है। इन जंगलों से बाहर निकलने के लिए मेरे को पूरी 3,000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर जाना है, जो कि मैं चढ़कर जाता हूं। आज का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल। अभी मैं मेघालय के जिस विलेज में खड़ा हूँ इसको बोलते हैं क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया, पर क्या ये बात सच है? आज के वीडियो में मैं यही पता लगाने वाला हूँ। तो फिर एक एक करके मैं गाँव का कोना कोना देखने लगता हूँ
डर्ट की खोज में। वैसे अब तक कोई कूड़ा तो मेरे को नहीं मिला है, मगर विलेज क्या सुंदर लग रहा है। पर खैर मेरे को अपने मिशन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मेरे को कूड़ा ढूंढना है। फाइनली कुछ देर की मेहनत के बाद मेरे को एक चीज दिखती है। अरे नहीं, ये कूड़ा थोड़ी है, ये तो कोई फ्लावर है। ओहो, तो मैं ये बात कंफर्म करने ही वाला होता हूँ कि ये विलेज एक्चुअल में क्लीनेस्ट विलेज है। तभी मेरी नजर इस च्युइंगम के रैपर पे पड़ती है, जिसको उठा के सबसे पहले मैं पास ही बने डस्टबिन में डाल देता हूँ। दोस्तों एक बात पक्की है कि ये गांव एक्चुअल में क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया है, और यहाँ पे ये जो मेरे को च्युइंगम का गिरा हुआ रैपर मिला, ये कोई इररिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट फेंक के गया है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये विलेज सच में इतना ज्यादा सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि जापान का किसी एनिमे की दुनिया मेरे सामने निकाल कर रख दिया और मैं उसमें घूम रहा हूँ। तो जी 5 दिन बहुत अच्छे से मेघालय घूमने के बाद थैंक यू, आज मैं जा रहा हूँ इम्फाल की ओर, जो कि मणिपुर की कैपिटल है। अब क्योंकि रास्ता बहुत ही लंबा है, तो इस रास्ते के बीच में मैं आपको एक छोटी सी रियल कहानी सुनाता हूँ। ये जो 100 डेज की इस ट्रिप पर मैं निकला हुआ हूँ, शायद मैं इस ट्रिप पर नहीं आने वाला था, क्योंकि ट्रिप पर निकलने से पहले बहुत सारी चीजें होती है यार जो देखनी होती है। तुम्हें पैसा देखना होता है, तुम्हें समय देखना होता है, डर लगता है कि अनजानी प्लेस पे कैसे जाओगे। तब उसी दिन मेरे को मेरे एक डांसर फ्रेंड का कॉल आता है। वो मेरे को बताता है कि उसके घुटने में ट्यूमर डिस्कवर हुआ है, और डॉक्टर ने उसे कह दिया है कि भाई डांस तो भूल जाओ, अगले 3 से 4 महीने तुम चल भी नहीं पाओगे। ये बात मेरे को सोचने पे मजबूर कर देती है कि यार हमें लाइफ के बारे में क्या ही पता है, आज है और शायद कल नहीं, तो क्यों ना इस समय में थोड़ा सा रिस्क लेकर जो चीज मेरा दिल बहुत जोरों से कह रहा है वो एक्सपीरियंस कर लिया जाए। तो आज मैं पहुंच जाता हूं शिलोंग से बस लेकर इम्फाल सिटी में, जो कि मणिपुर की कैपिटल है, और यहां का मेरा रूम कुछ इस तरह का दिखता है। अब मेरे अकॉर्डिंग किसी भी सिटी को एक्सप्लोर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है एक स्कूटी और एक लोकल फ्रेंड। ये है जली, जिससे मैं लद्दाख में पिछले साल एक्चुअली एक शूट पे सिर्फ 15 मिनट के लिए मिला था, और आज ये मुझे अपना शहर घुमा रही है। हम लोकल साइट सीइंग करते हैं और बाद में लोकल फूड, लोकल गोलगप्पे जो कि बहुत टेस्टी थे बाय द वे, खाकर एक लोकल मणिपुरी फेस्टिवल अटेंड करते हैं। अब मणिपुर का कल्चर एक्चुअली बाकी की 7 सिस्टर्स से काफी ज्यादा अलग है, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। इस सीरीज की और भी एक्स्ट्रा कहानियां और बिहाइंड द सीन्स के लिए आइए इंस्टाग्राम पर, मिलते हैं और नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तो जी आज है इम्फाल के अंदर मेरा डे नंबर 2, और मेरे अकॉर्डिंग किसी भी शहर को एक्सप्लोर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑन फुट। हाँ, मैंने कल के वीडियो में बोला था कि स्कूटी होता है क्योंकि तब मेरे पास स्कूटी थी, मगर आज आई एम ऑन माई ओन, तो इसलिए फिर मैं शहर के थ्रू टहलता हुआ पहुंच जाता हूँ इस बहुत ही कमाल की मार्केट में, ईमा मार्केट। ये मार्केट एशिया की लार्जेस्ट ऑल वुमेन रन मार्केट है। इस मार्केट में आपको केवल महिलाएं ही मिलेंगी जो यहाँ पर सारा काम संभालती हैं। इस मार्केट में आपको वेजिटेबल, फ्रूट, खिलौने, स्पाइसेस, एक्चुअली सब कुछ मिलता है। ईमा मार्केट, जिसका मतलब होता है मदर्स मार्केट, है ना हमारा देश कमाल का। अभी मैं ईमा मार्केट से घूमकर आया ही होता हूँ कि तभी मेरे को जलीश का फोन आता है कि वो और उसके कुछ दोस्त मुझे अगले 30 मिनट्स के अंदर लेने आ रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग एक पिकनिक करेंगे। अब मैं सोचता हूँ कि भाई पिकनिक है, कुछ बढ़िया पहन लिया जाए, तो अपनी बोरिंग ब्लैक टी शर्ट फेंक कुछ तड़कता भड़कता पहन लेता हूँ और निकलने लगता हूँ। नहीं यार, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे कि भाई कैसे कपड़े पहनकर आ गया है, छोड़ो अपनी ब्लैक टी शर्ट ही पहन लेता हूँ। फिर सोचता हूँ की फर्क पहनता है, लेट्स गो, और तेजी में अपने गेस्ट हाउस से नीचे उतर कर वेट करने लगता हूँ। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, भाई 20 मिनट हो गए और वो लोग अभी तक नहीं आए हैं। मेरी आंखों में तो भाई नींद लगने ही वाली होती है कि तभी मेरे को बुलेट की आवाज सुनाई देती है। आए, रौनक, रौनक। बने रहिए साथ, आगे की स्टोरी पार्ट 2 में बताता हूँ। आज मैं अपनी मणिपुर की फ्रेंड और उसके कुछ दोस्तों के साथ जा रहा हूँ मणिपुर की मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोकताक लेक, जो कि इम्फाल सिटी से 1 घंटे की दूरी पर है। और भाई साहब, उस 1 घंटे में जो उस बाइक पर बैठकर मेरी बम में दर्द होता है, सॉरी भाई बट माइनस पॉइंट्स फॉर बैक सीट ऑफ रॉयल एनफील्ड, पर ये सारा का सारा दर्द मैं तुरंत ही भूल जाता हूँ जैसे ही खूबसूरत सी लेक देखता हूँ। और फिर हम सब लेक में बोटिंग करते हैं, फ्लोटिंग हट्स देखते हैं, क्या ही सुंदर लग रहा है भाई, बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा था ये। और हमारी क्या परफेक्ट टाइमिंग थी, जस्ट सनसेट से पहले, बहुत प्रिटी, काफी प्रिटी। बोटिंग के बाद हम सब वही लोकल फूड खाते हैं और उसके बाद डिनर के लिए जाते हैं।
और मैं सोचता हूँ कि भाई यार ये चल क्या रहा है। मैं अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर बैठा हूँ, फिर भी ये लोग जिन्हें मैं जेन्युइनली हद से पहले नहीं जानता था मुझे इतने ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। ये खाने का टेबल और वो बाइक पर रिटर्न राइड मुझे हमेशा याद रहेगा। आज मैं जा रहा हूँ इम्फाल से कोहिमा जो कि नागालैंड की कैपिटल है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं जलीश को दिल से शुक्रिया बोलूं क्योंकि सुबह सुबह टैक्सी स्टैंड पर मेरे लिए ये खाने का सामान लेकर आती है। अच्छा बाय द वे इम्फाल से कोहिमा थोड़ा दूर है तो आज भी एक कहानी सुनाता हूँ। मणिपुर के मेरे गेस्ट हाउस का नाम था मणिपुर हाउस, जहाँ पर जब पहली बार इसके ओनर मानसिंह जी से मिला था तब ये मेरे को बड़े ही टफ और डिसिप्लिन तरह के आदमी लगे थे। मैंने सोचा ये तो मेरे को एक आवारा ही समझेंगे जिसको लाइफ में कुछ करना वरना नहीं है, बस इधर उधर घूमने का शौक है। पर हैरानी की बात यह है कि जब दो दिन बाद उनके साथ बैठ बातचीत में मैं उन्हें अपने लंदन रोड ट्रिप के सपने के बारे में बताता हूँ तो वो तुरंत ही मेरा यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं। पर पता नहीं क्यों वो सब्सक्राइब के साथ साथ मेरे चैनल का ज्वाइन बटन भी दबा देते हैं और महीने के 89 रुपीस देने को रेडी हो जाते हैं। भाई ये मेरे लिए एक स्ट्रेंजर आदमी है जिनको मैं आज से पहले नहीं मिला था और पता नहीं क्यों ये मेरे को तुरंत ही मॉनेटरीली सपोर्ट करने लग जाते हैं जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। और कहां मेरे को देखो मैं स्टार्टिंग में उनको जज कर रहा था पर ये तो मेरी सोच से बिल्कुल ही अलग निकले। भाई कभी भी किसी को तुरंत जज नहीं करना है। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अभी आप किसी नई जगह पर घुसे ही हो और वहां पर आते ही आपको बड़ा अच्छा लगने लग जाता है? वेल मेरे साथ एग्जैक्टली यही होता है जैसे ही मैं इम्फाल से नागालैंड के अपने होमस्टे में पहुंचता हूँ। इस जगह का नाम है डॉन होमस्टे, वेलकम टू डॉन होमस्टे, जिसे रोवी दी चलाती है और मुझे डेफिनेटली लगता है कि आने वाले यहाँ पर कुछ दिन बहुत ही ज्यादा कलरफुल बीतने वाले हैं। वेल आज मैं किसी नए एडवेंचर पर नहीं जाऊंगा, आज मैं यहाँ पर अपने कमरे में बैठ के अपना एडिट खत्म करूंगा ताकि ये सब जो अमेजिंग चीजें मैं फील कर रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो आपके साथ बांट सकूं। सॉरी दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ज्यादा नहीं था, मगर कल मिलते हैं एक बहुत ही अमेजिंग नए एडवेंचर के साथ। और अगर आपको इस ट्रिप के बिहाइंड द सीन्स देखने हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाइए, वहां मिलते हैं। आज का दिन ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। सच बताऊं तो मेरे नॉर्थ ईस्ट आने की सिर्फ एक ही वजह थी और आज मैं उस जगह पर जा रहा हूं, जुकू वैली। हाँ अभी मैं इसका नाम ले पा रहा हूं मगर सचमुच आज से कुछ समय पहले मेरे को इस जगह के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, बस इंटरनेट पर इसकी एक तस्वीर देखी थी और तस्वीर देखते ही मैंने सोच लिया था कि भाई कुछ हो जाए इस जगह पर तो मेरे को जाना ही है। और आज मेरा ये खुद ही यकीन करना मुश्किल हो गया कि मैं उसी वैली के रास्ते पर ट्रैक कर रहा हूँ, ऐसे ही आगे बढ़ रहा हूँ जुकू वैली की ओर। अच्छा बाय द वे स्टोरी अभी बाकी है, वीडियो का पार्ट 2 आ गया है, वो भी चेक कीजिए। अब भाई अगर बारिश के सीजन में ट्रैक करोगे तो ये तो मिलेगा ही और ये भी मिलेगा। ओ हाँ यहाँ मैं गिरते गिरते बचा बच गया भाई। पर जुकू वैली रेनी सीजन में आने का अपना अलग ही मजा है और हाँ स्ट्रगल भी बहुत है। अब मेरे ये कीचड़ से सारे पैर ही देख लो। पर भाई सच बोलूंगा कि जब स्टार्टिंग पॉइंट से 5 घंटे की ट्रैक और स्ट्रगल के बाद आप फाइनली जुकू की कैंप साइट पर पहुंचते हो तो रेनी सीजन के अंदर लश ग्रीन ब्यूटी देख के ना स्वाद ही आ जाता है। बहुत ज्यादा सुंदर है ये, बहुत ज्यादा सुंदर है, कल दिखाता हूँ। तो कल मिलते हैं। और अगर जुकू की आपको और भी ज्यादा स्टोरीज देखनी है, BTS कहानियां जाननी है तो इंस्टाग्राम पर मिलिए। तो क्या मेरा 5-6 घंटे ट्रैक करके गिरते फिसलते जंगलों से होते हुए कीचड़ के बीच जुकू की कैंप साइट तक पहुंचना वर्थ इट था? आप खुद ही देख लो। और इस सुंदर नजारे से भी ज्यादा सुंदर चीज होती है जब मैं शाम को कीचड़ में गिर जाता हूं। अब कीचड़ में गिरना कोई खूबसूरत बात नहीं है मगर इस बहाने मेरी मुलाकात राजू से होती है जो वहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ कैंपिंग करने आया होता है। पता ही नहीं चलता और हम लोग करीब 1 घंटा बात करने में निकाल देते हैं और फिर रात को राजू मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पर इनवाइट करता है। अब देखो दोस्तों इस मोमेंट में तो ज्यादा मैंने शूट किया नहीं क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगा, पर कहते हैं ना कि कुछ चीजें कैप्चर नहीं हो सकती। जो इस समय इन सभी दोस्तों की वार्मथ थी, जो टेस्टी टेस्टी खाना था वो मैं फोन की स्क्रीन पर कैसे दिखा दूं। पर मेरे जोको की वो रात हमेशा के लिए मेमोरेबल बनाने के लिए राजू भाई थैंक यू सो मच। अब जुकू पर सभी टेंट्स ऑलरेडी बुक थे इसलिए मैं रात बिताता हूँ वहां के डॉम में और सुबह बाहर निकलते ही एक चाय के कप के साथ मस्त व्यू एंजॉय करता हूँ, जो कि चाय का कप बाय द वे इन भाई जी ने मेरे को सुबह सुबह ऑफर किया था। मस्त नजारों के मजे ले रहा होता हूँ जब ही मेरी मुलाकात इस ट्रैवलर्स ग्रुप से होती है। थोड़ी बहुत मस्ती थोड़ी बहुत बातें होती हैं, पर जो बेस्ट चीज होती है वो ये है कि ट्रैक से वापस आने के लिए मेरे को कंपनी मिल जाती है।
अब देखो मैं गया तो ऊपर था बिल्कुल सोलो, मगर अकेले वापस आने का मेरा मन नहीं था। तो सुरभि और उसके बाकी दोस्तों के साथ ट्रैक करता हुआ मैं नीचे आ जाता हूँ। और रास्ता क्या सुंदर था। और एंड में मैं आप सबको जूकू 100% रेकमेंड करूंगा दोस्तों, जिंदगी में जब भी मौका मिले एक बार जरूर जाना। अब जल्दी ट्रैक खत्म करने का ना एक डिसएडवांटेज होता है, हम लोग तो नीचे आकर कब से बैठे हुए हैं मगर बाकी लोगों का कुछ अता पता ही नहीं है। आधे घंटे के वेट के बाद मुझे बड़ी तेज प्यास लगती है, पर सारा पानी ऑलरेडी खत्म हो चुका था। हाँ, पास ही से एक नदी जा रही होती है मगर उसको एक्सेस करना बड़ा ही मुश्किल था। तो वहीं थोड़ी देर प्यासा बैठने के बाद मेरा बड़ी तेज दिमाग चलता है, बिग ब्रेन पावर। मैं बैग से अपना कप निकालता हूँ, सामने लगी रस्सी उतारता हूँ और बस एडवेंचर बिगिन। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज मैं अपने होमस्टे से वॉक करता करता जा रहा हूँ नागा हेरिटेज विलेज देखने। अभी एक ऐसी जगह है जहाँ पर नागालैंड के 16 डिफरेंट ट्राइब्स का कल्चर आपको एक साथ देखने को मिल जाता है। डिफरेंट हाउसेज, डिफरेंट ड्रेसेस, यहाँ तक कि हर एक ट्राइब की अपनी खुद की एक डिफरेंट लैंग्वेज है। पर अभी ना जाने क्यों ये पूरा का पूरा एरिया सुनसान पड़ा हुआ है, पर यहाँ आकर मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाता। कुछ तो मिसिंग है। Don't be sad. Come with me. Okay. पर वो अधूरी चीज पूरी हो जाती रो भी दी मुझे अपने एक्चुअल विलेज घुमाने ले जाती। Come with us. हम उनके विलेज की पैडी फील्ड्स देखते हैं, वहाँ की गलियाँ और गलियों में क्रिकेट खेलते हुए बच्चों को देखते हैं। वो फिर मुझे अपने घर में भी इनवाइट करती हैं, जहाँ पर चाय पीते पीते मुझे बड़ा ही फुलफिलिंग लगता है, क्योंकि अब मैंने एक एक्चुअल नागा विलेज देखा था। मेरा दिल ना पता नहीं क्यों इन रॉ और रियल एक्सपीरियंसेस को क्रेव करता है, जो कि एक आर्टिफिशियल टूरिस्ट के लिए बना हुआ विलेज सर्व नहीं कर सकता। आज पूरे 3 दिन के बाद मेरी शू बाइट ठीक हुई है। हाँ, मुझे जूकू से वापस आते हुए थोड़ी सी चोट लग गई थी, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पर बताया था, तो इस ट्रिप की और डिटेल्स के लिए वहां पर जरूर मिले। खैर, आज मैं जा रहा हूँ दूर एक बॉर्डर विलेज देखने जिसका नाम है लोंगवा। जाने से पहले ये जरूर है कि ये डॉन होमस्टे मुझे बहुत याद आने वाला है। तो अभी मैं इस अपने होमस्टे से निकला ही होता हूँ और भाई मेरी किस्मत देखो, बिना लिफ्ट मांगे भी मेरे को लिफ्ट मिल जाती है होटल लिफ्ट, और मैं फ्री में पहुंच जाता हूँ कोहिमा, जो कि नागालैंड की कैपिटल है। अभी यहाँ से मेरी आगे की बस में थोड़ा टाइम है, इसलिए मैं जाता हूँ कोहिमा वॉर सेमेट्री देखने, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान के साथ हुई लड़ाई में शहीद हुए सोल्जर्स को डेडिकेटेड है। जी हाँ, 1944 में जापान ने अटैक किया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी फोर्सेस पर 3 महीने की इंटेंस लड़ाई के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने जापान को पीछे धकेल दिया था। कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइड फोर्सेस के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी। खैर, यहीं पे मेरी लिमिटेड विकिपीडिया की नॉलेज खत्म होती है और मेरी बस भी आ गई है, तो कल मिलते हैं। आज मैं इस बस से जा रहा हूँ कोहिमा से मौन, जो कि अगेन एक बहुत ही लंबा रास्ता है, तो आज भी एक कहानी सुनाता हूँ। इस ट्रिप पर ना मेरे साथ पता नहीं कुछ बहुत ही अलग हो रहा है, मुझे बहुत से लोग लकी बोल रहे हैं। दोस्त अब तो बहुत लगे है, अब बहुत किस्मत वाला है, यू आर लकी रोनाल्ड। ये जो फुटेज आपने अभी देखा है ये फेक नहीं है, इन सभी लोगों ने मुझे एक्चुअल कन्वर्सेशन में लकी बोला था, वो बस फिर मैंने रिक्वेस्ट करके उनसे रिकॉर्ड करवा लिया। लोंगवा जाने का टिकट मिला, सब दिन ऐसा नहीं मिला, कभी कभी खत्म होता है। थैंक यू। दोस्तों भैया बोल रहे हैं कि मैं बहुत लकी हूँ, उधर आंटी जी ने भी बोला था, क्योंकि लोंगवा का टिकट रोज नहीं मिलता है। मैं आ गया, मेरे को पता नहीं था, बट आज टिकट अवेलेबल है। क्योंकि मैं ये हमेशा याद रखना चाहूंगा कि कैसे मैं बिना किसी खास रिसर्च के नागालैंड आ तो गया, पर यहाँ के लोगों ने मेरी इतनी ज्यादा मदद करी, इतनी काइंडनेस दिखाई, तो शायद मैं सही में लकी हूँ। पर वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोगों का दिल बहुत ही बड़ा है। फाइनली एक लंबे से सफर के बाद मैं इंडो म्यांमार बॉर्डर विलेज लोंगवा आ तो गया, पर यहाँ आते ही मेरे साथ कुछ इतना क्रेजी हो जाता है, बताता हूँ। तो मैं रोड के साइड में बनी एक शॉप में चाय पीने जाता हूँ और चाय पीते पीते मैगी खा लेता हूँ, और खाते खाते भैया से पूछता हूँ कि बॉर्डर लाइन कहाँ पड़ेगा, मतलब म्यांमार कहाँ से स्टार्ट होता है, जिस पर वो भाई ये बोलते हैं, अभी जो आप देते हैं ना इस तरफ बर्मा है, वो इंडिया है, यहाँ से मैं अभी बर्मा में बैठा हूँ, बर्मा है और इस तरफ इंडिया है, मतलब ये रोड बॉर्डर है। ओके। मैंने सुना तो था कि बॉर्डर एक्चुअली इस विलेज के बीच से पास होता है, और आज देख भी लिया। बाय द वे, इस गांव के अहंग यानी किंग का घर एग्जैक्टली बॉर्डर लाइन पर पड़ता है, तो कल सुबह मिलते हैं और साथ में उनका घर जाकर देखते हैं।
आज मैं जा रहा हूँ लोंगो विलेज में सच का पता लगाने कि क्या एक्चुअली यहाँ के किंग के घर के बीच से बॉर्डर पास होता है, उनका आधा घर क्या एक्चुअली इंडिया में आता है और आधा म्यांमार में। यही पता लगाने अभी मैं अपने होमस्टे से निकला ही होता हूँ तभी मुझे ये दो एंजल से दोस्त मिल जाते हैं। मुझे सोलो ट्रैवल करता देखिए अपनी शॉप बंद कर देते हैं और कहते हैं कि मैं इनका एक गेस्ट हूँ, तो ये मुझे पूरा का पूरा विलेज घुमाएंगे। फिर हम जीरो पॉइंट देखते हैं, इंडिया म्यांमार बॉर्डर देखने जाते हैं। अभी मैं एक्चुअली इंडिया वाली साइड हूँ, इंडिया में खड़ा हूँ और अभी मैं बर्मा के अंदर आ गया। और फिर फाइनली शाम को मैं यहाँ के किंग के घर भी देखने जाता और भाई बॉर्डर एक्चुअली इनके घर के बीच से पास होता है, आधा घर इनका इंडिया में आता है और आधा म्यांमार में। क्या ही कमाल की जगह है ये। आज मेरी बहुत सारी ट्रैवलिंग है इसलिए आज कोई स्टोरी टेलिंग नहीं, आज तुम देखो कि सफर करते हुए कितना सफर करना पड़ता है। वाह वाह वाह, शुरू करते हैं। बाजू बाबू। तो आज मैं जा रहा हूँ लोंगवा से जोरहाट, जिसके लिए मुझे 6 बारी बस और गाड़ियाँ बदल कर जाना पड़ेगा। तो पहले मैं एक शेयर टैक्सी लेके करीब 2.5 घंटे बाद पहुँचता हूँ मौन और वहाँ से लेता हूँ अपनी राइड नंबर 2। और भाई साहब इस रास्ते पे तो रोड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 2 घंटे के स्पीड तोड़ देने वाले सफर के बाद अब मैं जा रहा हूँ नमसा से सोनारी। 1.5 घंटे बाद सोनारी पहुँच कर रिक्शा लेता हूँ, जिसकी मदद से बस स्टॉप जाकर ये बस लेता हूँ तू जोरहट। पर रुको जरा, अभी वेट करो, लास्ट एंड फाइनल लेगा आज के ट्रैवलिंग। बस मेरे को बीच में ही कहीं उतार देती है और वहाँ से मैं एक दूसरी बस लेके ऑलमोस्ट 10 घंटे की टायरिंग जर्नी करने के बाद पहुँच जाता हूँ जोरहट। कैसी लगी आपको आज की ट्रैवलिंग कमेंट्स में जरूर बताइए। आज मैं जा रहा हूँ एक फेरी से ब्रह्मपुत्र नदी पार करके एक ऐसे आइलैंड में जो आने वाले थोड़े समय में डूब सकता है। जगह का नाम है माजुली और ये दुनिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। हर तरफ से पानी में घिरे होने की वजह से जब आप यहाँ पहुंचते हो तो लगता है किसी और ही दुनिया में आ गए हो। इतनी सुंदरता, इतनी शांति। तो फिर कल मिलते हैं और इस बहुत ही खूबसूरत जगह को साथ में घूमते हैं। दोस्तों ये है माजुली, असम में मेरी सबसे फेवरेट जगह। बचपन में मैं जब कृष्ण जी की कहानियां सुनता था तो उनके गांव गोकुल की कुछ इसी तरह की इमेज मेरे दिमाग में बनती थी जो मैं आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ। जहां देखो उधर हरियाली, सुंदरता और शांति। वाह, पर ये सोचकर ही डर लगता है कि आने वाले थोड़े समय में ये आइलैंड पानी के नीचे डूब जाएगा। ऐसा मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, अब यहाँ के लोकल इस बात को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि लोग तो बातें बनाते रहते हैं और ये भी उन्हीं बातों में से एक है। और मैं पूरे दिल से विश करता हूँ कि ये बात भी वैसी ही कोई अफवाह हो और एक खूबसूरत सी जगह हमेशा ऐसी ही बनी रहे। तो जी आज का वीडियो एक शॉर्ट नहीं है, क्योंकि आज ट्रैवलिंग में कुछ चीज़ें गलत, बहुत ही गलत हो जाती हैं और वो सब समझाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों दिन की शुरुआत होती है जब मैं माजुली में अपने होटल से निकलता हूँ। और भाई साहब माजुली क्या ही सुंदर जगह है, लाइफ में एक बार तो यहाँ जरूर आइएगा। खैर अगेन आज ट्रैवल करना है और आज बारिश भी हो रही है, मेरे पास सामान भी है, सो आई विश कि प्लीज प्लीज मेरे को लिफ्ट मिल जाए। और भाई देखो मेरे को तुरंत लिफ्ट मिल जाती है, तब तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। पर जैसे ही ऑटो स्टैंड पर पहुंचता हूँ तो पता लगता है कि सुबह की 7:30 की फेरी तो मैंने मिस कर दी है और अब जो मेरे को नेक्स्ट फेरी मिलेगी वो होगी पूरे 2 घंटे बाद। तो मैं वहीं वेट करता हूं और 9:30 बजे फेरी बोर्ड करके इस आइलैंड से निकल जाता हूं। फिर मैं ऑटो लेता हूं नॉर्थ लखीमपुर का, पर वो ऑटो भी मेरे को पूरा नहीं ले जाता। बीच रास्ते में ही रुककर मेरे को ऑटो चेंज करना पड़ता है। फिर कुछ घंटों के बाद जब मैं पहुंचता हूं लखीमपुर तो पता लगता है कि मेरी 0 की आखिरी टैक्सी निकल चुकी है। अब 0 अरुणाचल प्रदेश में एक टाउन है जिधर आज मैं जा रहा हूं। मैं सोच ही रहा होता हूँ कि अभी क्या किया जाए, तभी मुझे ये दो भाई मिलते हैं जो कुछ तो जुगाड़ लगाकर मुझे एक आखिरी टैक्सी में बिठा देते हैं। पर दिक्कत ये है कि ये टैक्सी 0 तक नहीं जा रही है, ये टैक्सी मुझे आधे रास्ते ही कहीं उतार देगी और मेरे को वहां से एक और टैक्सी लेके 0 जाना होगा। मैं सोचता हूँ कि क्या ही फर्क पड़ता है, सह लेंगे थोड़ा, और खुशी खुशी उस टैक्सी में चढ़ जाता हूँ। पर यहाँ मेरी खुशियों का अंत होता है जैसे ही मुझे आगे की कनेक्टिंग टैक्सी नहीं मिलती।
अगली टैक्सी छोड़ो भाई, मुझे उस एरिया के अंदर रात बिताने के लिए कोई होटल तक नहीं मिलता। एक होटल थोड़ी देर पहले मिला था, पर वो मुझसे एक रात के 2500 रुपए मांग रहा था, जो कि भाई मेरे बजट के बाहर था। तो मैं वो छोड़ आगे बढ़ जाता हूँ और सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ तो रहने की जगह मिल ही जाएगी, पर यहाँ मैं गलत, बहुत गलत होता हूँ। अंधेरा होने ही वाला होता है और अब तक मेरे को रहने की कोई भी जगह नहीं मिली है। टैक्सी का भी लास्ट स्टॉप आ गया है और दूर दूर तक कोई होटल नहीं है, कोई टैक्सी नहीं है जिसको लेके मैं जीरो तक जा पाऊँ। तो आज की रात शायद मेरे को सड़क पर ही सोकर बितानी पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इतना भी मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तब जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो मेरे टैक्सी वाले राजू भाई मेरी बड़ी मदद करते हैं। वो इस ढाबे के ओनर को जानते हैं, इसलिए मेरे लिए रात बिताने के लिए यहाँ पर एक जगह का अरेंजमेंट कर देते हैं। और फिर वो पूरी रात मैं सोता हूँ इस ढाबे के स्टाफ के साथ उनके छोटे से टिन की हट में। और अच्छी बात ये हो गई कि ये जो अभी भैया बिस्तर लगाने में मेरी मदद कर रहे हैं, यही इस ढाबे के मेन शेफ हैं। तो रात को क्या टेस्टी टेस्टी खाना मिलता है और उसके बाद सोने के लिए एक छोटा सा बिस्तर और मच्छरदानी मिल जाती है। अब झूठ नहीं बोलूंगा, ये इस ट्रिप पर वो पहला दिन था जब मैं थोड़ा डर गया था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कहां पर रात बिताऊंगा, किससे मदद मांगूंगा। आप में से कुछ लोगों को ये सब सिली लग रहा होगा, पर मेरी इस ट्रिप का एक फिक्स बजट है जिसके ऊपर मैं नहीं जा सकता, इसलिए उस 2500 वाले रूम में मैं रात नहीं बिता सकता था। पर दोस्तों पता नहीं क्यों मेरे को इसी तरह से ट्रैवल करना पसंद है। चीजें प्लान करके चलने में वो मजा नहीं है, वो अनसर्टेनिटी नहीं है। चीजें प्लान करने लग जाता हूं तो बहुत बोरिंग लाइफ हो जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को बस एडवेंचर की भूख है, मेरे को जेन्युइनली लगा था कि आगे कोई ना कोई होटल तो मिल ही जाएगा। होटल कैसे किसी जगह पर नहीं होते, पर अपेरेंटली इस जगह पर होटल नहीं थे, इसलिए मेरे को रात बितानी पड़ती है उस ढाबे में। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ राजू भाई के लिए और उस होटल के स्टाफ के लिए जिन्होंने मेरे को वहाँ रहने के लिए जगह दी और बदले में एक रुपया तक नहीं लिया। हाँ, खाने का मैंने प्राइस पूरा पे किया था ऑब्वियसली भाई, बट उन्होंने स्टे का मेरे से कुछ भी चार्ज नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। डेली एडवेंचर ऐसे ही चलता रहेगा, मिलते हैं कल एक नई शॉट के साथ। तो आज सुबह की शुरुआत होती है मेरे रोड साइड वेट करने से। कल जब टैक्सी नहीं मिली थी तो पीछे दिख रहे इसी ढाबे में मैंने अपनी रात बिताई थी, और तब किसी ने कहा था कि सुबह 6 बजे यहाँ से बस निकलेगी जीरो के लिए, वो जरूर ले लेना। तो मैं यहाँ पे 5:30 बजे ही आकर खड़े हो जाता हूँ। 5:30 से 6 बजते हैं, 6 से 7 और 7 से 8 बज चुके हैं, मगर बस अब तक नहीं आई। कल की पूरी सफरिंग और आज सुबह की इतनी इनकन्वीनियंस के बाद मैं फाइनली गिव अप करके एक लिफ्ट मांगने की ट्राई करता हूँ। पर दिन देखो भाई, आज मेरे को एक लिफ्ट भी नहीं मिलती है। दिल सूख कर कांटा हो रहा होता है, तभी 9:30 के अराउंड मुझे एक टैक्सी मिल जाती है जो मुझे जीरो तक लेकर जाती है। अब भाई रास्ते में इतनी कठिनाइयां, इतनी परेशानियां हो गई, तो पूछना तो बनता है कि मैं जीरो जा क्यों रहा हूँ। तो देखो ये मजाक नहीं है, मगर जीरो जाने की मेरे पास कोई भी वजह नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि जीरो में इंडिया का एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक फेस्टिवल होता है, और नाम सुनो भाई जगह का, जीरो, मतलब क्या प्यारी जगह लग रही है। अब जीरो आकर मुझे कुछ लोग मिलते हैं जिनकी नोज कुछ इस तरह की दिखती है। अब मैं भाई बहुत क्यूरियस हो जाता हूँ और थोड़ी सी रिसर्च के बाद पता चलता है कि ये जीरो वैली के फेमस अपाटानी ट्राइब है, और इनका विलेज मेरे होमस्टे से एक्चुअली पास ही है जिसका नाम है होंग विलेज। तो मैं खुशी खुशी गूगल मैप्स फॉलो करता हुआ पैदल ही अपने होमस्टे से निकल जाता हूँ होंग विलेज की तरफ। लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मुझे नजारे तो बेहद खूबसूरत देखने को मिलते हैं, पर जो विलेज मैंने फोटोज में देखा था वो तो कहीं दिखता ही नहीं है। एक लोकल से पूछने के बबाद पता चलता है कि होंग विलेज यहाँ से एक्चुअली 7 किलोमीटर और आगे है, और इस गूगल मैप्स ने मेरा बना दिया है। अब मैं था पैदल और ना ही और चलने की हिम्मत थी, तो वहीं कुछ देर वेट करने के बाद एक लिफ्ट लेकर मैं वापस आ जाता हूँ अपने होम स्टे। हाँ, अब मैं कोई टैक्सी और ऑटो लेकर जा सकता था, पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं हुआ। वहीं कुछ देर सुंदर सी वैली देखने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ और आकर अपने कपड़े धोता हूँ, क्योंकि परसों मुझे जीरो से निकलना है और मेरे पास साफ कपड़े खत्म हो गए हैं। अब जीरो के पास जिस गांव में मैं रुका था वहां से मेरा टैक्सी स्टैंड है करीब 3.5 किलोमीटर दूर, और दिक्कत की बात यह है कि मेरे इस होमस्टे से बाहर जाने के लिए कोई भी टैक्सी, कोई भी ऑटो, यहां तक कि साइकिल तक नहीं है। जब मैं पैदल चलकर थक जाता हूं तो लिफ्ट लेने का ट्राई करता हूं। दोस्तों बात सारी इतनी सी है कि 11 बजे की मेरी है यहां से शेयर्ड टैक्सी, कन्फर्म टिकट है, और अभी हो गए हैं 10:30। अगर लिफ्ट नहीं मिली तो मैं किसी हाल में नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरी टैक्सी मिस हो जाएगी, तो मेरा हो जाएगा हैवी लॉस। पर उस दिन कोई लिफ्ट नहीं देता और मेरा टैक्सी छूटना ऑलमोस्ट कन्फर्म हो जाता है। मैं हाथ जोड़ के भगवान से प्रे करता हूँ कि भगवान बचा ले प्लीज, और तभी कुछ सेकंड के बाद ये भाई आ जाते हैं। हाँ, ये सामने से मिट्टी उतार रहा है ना, जाने में तो
जब कोई गाड़ी वाला लिफ्ट देने के लिए नहीं मिलता तब मैं इस ट्रैक्टर पर बैठकर अपने टैक्सी स्टैंड पहुंचता हूं, जहां से टाइम पर टैक्सी लेकर नॉन एग्जिस्टिंग रोड्स पार करके जर्नी में आगे बढ़ने के लिए पहुंच जाता हूं नाहरलगुन स्टेशन। ऐसा क्यों लग रहा है स्टेशन पे अकेला बंदा हूं? तो क्या कभी आपने खुद को एक स्टेशन पर बिल्कुल अकेला पाया है? तो दोस्तों देखने में तो ऐसा लगता है कि इस नाहरलगुन स्टेशन पर इस समय मैं बिल्कुल अकेला हूँ, कोई भी नहीं है, एक दो दुकानें हैं उसमें भी लोग नहीं है। अभी हुए शाम के 5 बजे, मेरी ट्रेन है एक्चुअली यहाँ से सुबह की 5 बजे की, और क्योंकि बजट मैंने पहले थोड़ा ज़्यादा स्पेंड कर दिया था तो मैंने सोचा कि भाई आज होटल नहीं लेंगे, आज रात स्टेशन पर बिताएंगे। थोड़ी देर धूप में खुद को जलाने के बाद सोचता हूँ कि स्टेशन पर ही एक डॉर्मेटरी ले ली जाए, पर डॉर्म को बंद पाकर जब मैं पहुँचता हूँ वेटिंग रूम में तब समझ आता है कि मैं तो एक बेवकूफ हूँ। सारे लोग तो यहाँ मस्त एसी में वेट कर रहे हैं और मैं वहाँ धूप में अकेला घूम रहा था। चलो एक बात अच्छी है कि इस वेटिंग एरिया में 5 ही लोग हैं और सबको अपना एक एक इंडिविजुअल सोफा मिला हुआ है। थोड़ी देर बाद इनमें से ही एक समझदार आदमी मुझे बताता है कि स्टेशन पर डॉर्म बुक करने के लिए मुझे स्टेशन मास्टर के पास जाना होगा, जो कि मैं जाता हूँ और फाइनली डॉर्म का हो जाता है खुल जा सिम सिम। और फिर वो पूरी रात मैं स्टेशन की ही डॉर्म में बिताता हूँ सिर्फ 100 रुपए देकर। और मजे की बात देखो भाई, इस पूरी डॉर्मेट्री में मैं इकलौता बंदा हूँ। अब रेलवे स्टेशन की डॉर्म में रात बिताने का फायदा है कि सुबह उठकर 4 कदम लेते ही मैं अपनी ट्रेन बोर्ड कर सकता हूँ। सुबह सुबह 5 बजे सुंदर से दिखती हुई ट्रेन लेकर मैं आ जाता हूँ नाहरलगुन से डिब्रूगढ़, पर इस डिब्रूगढ़ स्टेशन पर मुझे रोटी के पैकेट को छोड़कर कुछ खाने को नहीं मिलता। अब देखो भाई, मैं कल रात से भूखा हूँ और अब दोपहर होने को आई है, इसलिए मैं स्टेशन से निकल जाता हूँ लंच की हंट में। स्टेशन के सामने ही एक छोटा सा स्टॉल दिखता है, उस स्टॉल पे भी कुछ नहीं है भाई, सब्जी ओवर। भूख से हाल बेहाल हो ही रहा होता है जब मुझे एक क्यूट सा ढाबा मिलता है। कौन सा सब्जी है? आलू बर्बर चना। इस सब्जी का नाम सुनकर तो सारा मजा खत्म होने लगता है, पर तभी ये दीदी वो सुनहरे शब्द बोल देती है, चिकन भी है, मछली भी है, चिकन भी। फिर क्या, मैं मस्त भर प्लेट खाना खाता हूँ और फिर वापस स्टेशन में आकर अपनी शाम की ट्रेन का वेट करने लगता हूँ। और ये जो मेरी शाम की ट्रेन है ना, ये कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि वंस इन अ लाइफ टाइम वाली जर्नी है, जिसके बारे में कल बताता हूँ। तो मिलते हैं कल। अब इंडियन रेलवे के लिए ना मेरा प्यार एक्चुअली बहुत सारा है, इतना सारा है कि आज मैं इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन बोर्ड करने वाला हूँ। जी हाँ, इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं है, ये है एक्चुअली डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी। तो अभी से लेके अगले 4 दिन ऑलमोस्ट 80 घंटे मैं बिताने वाला हूँ इसी ट्रेन के अंदर। अभी ट्रेन बोर्ड करे मुझे कुछ ही घंटे हुए होते हैं जब मुझे IRCTC से ये मैसेज आता है। मैसेज के अंदर बताया जाता है कि मैं उनकी एप्लीकेशन यूज करके एक्चुअली अपनी सीट पर ही फूड की डिलीवरी करवा सकता हूँ, जो मैं थोड़ा डाउटफुल था, इसलिए फिर मैं वो ऐप यूज करके अपनी बुकिंग प्लेस करता हूँ। कुछ देर इंतजार करता हूँ और जैसे ही मेरी ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर पहुंचती है तो मेरा डोमिनोज का पिज्जा वहाँ मेरा इंतजार कर रहा होता है। मैं हैरान हो जाता हूँ भाई, मैं कैश ऑन डिलीवरी से पिज्जा की पेमेंट करता हूँ और फिर एकदम फ्रेश एकदम हॉट पिज्जा अपनी ट्रेन में जाके एंजॉय करता हूँ। बाय द वे, ट्रेन जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग रही थी, अगर आप इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। अब क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पहले ही ये ट्रेन वाला फुल वीडियो देख चुके हैं तो फिर से वापस से वो सारी चीजें बताकर आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और हाँ, जिन्होंने अब तक नहीं देखा है वो आई बटन पर क्लिक करके मेरा इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन राइड का पूरा एक्सपीरियंस देख सकते हैं। फाइनली 4 दिन के सफर के बाद रात के 1:30 बजे मैं पहुंचता हूँ कन्याकुमारी स्टेशन पर। अब इतनी रात को एक होटल हंट पे निकलना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं स्टेशन पर ही एक डॉर्म का पता करता हूँ जो उस दिन अनअवेलेबल थी। थक हार कर मैं वहीं एक बेंच पर गिर जाता हूँ और तभी मुझे ये भाई मिलते हैं। अब ये हमारे एक सब्सक्राइबर है, ऐसा मेरे साथ लाइफ में पहली बार हुआ है कि चलते फिरते किसी ने मेरे को पहचाना हो। चलते फिरते भी नहीं भाई, मैं तो बेंच पर सोने लगा था। उन भाई के साथ थोड़ी सी बातचीत करने के बाद मैं उसी बेंच पर लेट जाता हूँ और लेटकर बस सोचता हूँ कि कैसे 3-4 दिन के अंदर ही पूरी की पूरी लाइफ बदल सकती है। पर जो एक चीज नहीं बदलनी चाहिए वो मैं खुद हूँ। जैसा सिंपल सादा सा हूँ, मैं विश करता हूँ कि मैं आने वाले टाइम में ऐसा ही रहूँ। और उसके बाद मस्त इसी थॉट के साथ चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल लेके मैं उसी बेंच पर पूरी की पूरी रात निकाल देता हूँ। तो कल रात स्टेशन पर बिताने के बाद आज सुबह ट्रेन की ही वेटिंग रूम में नहाकर तैयार हो जाता हूँ और निकल जाता हूँ कन्याकुमारी घूमने के लिए। अभी मुझे फेरी से रॉक मेमोरियल आइलैंड जाना है, मगर यहाँ फेरी की लाइन तो देखो, और 200 रुपए एक्स्ट्रा देकर स्पेशल एंट्री लेना तो भूल ही जाओ, इसलिए मैं लंबे अवॉइड करने के लिए बेस्ट चीज करता हूँ। 35-40 दिन बाद डोसा खाकर इतना सही लगता है कि क्या ही बताऊं। खाना खत्म करके जैसे ही बाहर आता हूँ तो तब तक लाइन कम हो चुकी होती है। हाँ, कम ही हुई होती है, खत्म नहीं। पर फिर देखते ही देखते फेरी बोट करके मैं पहुंच जाता हूँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल आइलैंड। अब यहाँ पर अंदर फोटोज और वीडियोज लेना तो अलाउड नहीं था,
मगर चारों तरफ पानी में घिरे होने की वजह से यहाँ पर एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। वहाँ थोड़ी देर बैठने का मन तो था मगर मुझे तुरंत ही वहाँ से निकलना पड़ता है क्योंकि अगले एक घंटे में मेरे आगे की ट्रेन है जिसके बारे में मैं कल बताऊंगा। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल से मैं भागा भागा निकलता हूँ इस डर में कि कहीं मेरी आगे वर्कला की ट्रेन छूट ना जाए। बाय द वे कमेंट्स में किसी को पहले ही पता था कि मैं वर्कला जा रहा हूँ, ये कैसे हुआ मेरे को नहीं पता है। बट खैर मैं टाइमली स्टेशन पहुंच जाता हूँ और जैसे ही ट्रेन में चढ़ता हूँ पूरी की पूरी ट्रेन खाली होती है भाई। मुझे पता नहीं है कैसे पर अभी पूरे के पूरी बोगी में मैं अकेला हूँ। और क्योंकि कल की रात मैंने एक्चुअली स्टेशन की बेंच पर बिताई थी इसलिए यहाँ पर मौका पाते ही मस्त एक डेढ़ घंटे के लिए मैं सो जाता हूँ। कुछ देर बाद जब आंख खुलती है तो मैं पहुंच जाता हूँ वर्कला। अब केरला की ये जगह अपने बीचेस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है जिसको हम कल के वीडियो में घूमेंगे क्योंकि आज मेरे को मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है इसलिए आज बस हॉस्टल जाके सो जाऊंगा। तो जी आज 46 डेज की इंटेंस ट्रैवलिंग के बाद मेरी हालत खराब है। बीमारी से अभी अपने बिस्तर पर पड़ा होता हूँ जब मुझे याद आता है कि मेरे बैग में तो ये दवाइयों का पैकेट ट्रिप पर निकलने से पहले जबरदस्ती मेरी माँ ने मेरे बैग में डाल दिया था। मैं उनसे उस समय लड़ा भी था कि क्या इधर होता है, मैं थोड़ी बीमार पड़ूंगा, मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं है। और आज जब मैं पैकेट खोल के देखता हूँ तो एक एक पैकेट पर एक एक दवाई का नाम लिखा हुआ है। पेट दर्द की दवाई अलग, सर दर्द की अलग, बुखार की अलग, कोल्ड की अलग। अपनी नादानी पर हंसी आती है क्योंकि कहते हैं ना माँ तो माँ ही होती है। सो थैंक यू माँ, थैंक यू। तो अब इसकी वजह मेरी खराब तबीयत को कह लो, थकान को कह लो, पर वर्कला के बीच पे अकेले मेरे को ज्यादा मजा नहीं आ रहा होता इसलिए मैं बीच छोड़कर अपनी रेंट की हुई स्कूटी पे ऐसे ही एक राइड पे निकल जाता हूँ। वहाँ पे मेरे को रोड साइड खड़ा हुआ ये भाई दिखता है और मेरे को नहीं पता क्यों बस मैं इसे एक लिफ्ट ऑफर कर देता हूँ। भाई का नाम चेतन है और ये भी एक यूट्यूबर है। पता ही नहीं चलता कि मिनटों के अंदर हमारी कब दोस्ती हो जाती है और ये भाई कुछ ऐसा बोल देते हैं जो मेरे को बहुत अच्छा फील कराता है। ये तो फील करिए कि जब घर पे बैठे रहते हैं ना तो ऐसा लगता है कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, लेकिन बस एक बार निकल जाए ना डिफिकल्टी कितनी आ जाए सॉल्यूशन बात के बाद फटाफट मिल जाते हैं। उसके बाद फिर क्या था, हम दोनों निकल जाते हैं और साथ में वर्कला के ब्लैक सैंड बीचेस और सर्फिंग सीन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। फिर चाय पीते पीते ही हम ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना आगे भी साथ में ही निकल लिया जाए। तो कल मिलते हैं और साथ में वर्कला को एक्सप्लोर करते हैं। तो स्कूटी पर थोड़ा सा रास्ता भटकने के बाद हम आ जाते हैं। यहाँ तो बैठे बैठे ऐसे लग रहा है जैसे मूवी देखने आए हैं ना। नहीं मूवी देखने नहीं बल्कि ये कमाल की चीज देखने। ये है जटायु अर्थ सेंटर, इसको लोग जटायु रॉक भी कहते हैं और ये दुनिया का लार्जेस्ट बर्ड स्टैचू है जो डेडिकेटेड है वुमेन सेफ्टी को, क्योंकि ऐसा माना जाता है सीता जी को रावण से बचाते हुए घायल होकर जटायु इन्हीं पहाड़ों पर आकर गिरे थे, इसलिए इस विशाल से स्टैचू में भी उनका एक पंख मिसिंग दिखाया गया है। पर अनोखी बात यह है कि इतना घायल हो जाने के बावजूद जटायु ने अपने प्राण तब तक नहीं छोड़े थे जब तक वो राम जी को मिलकर रावण की डायरेक्शन के बारे में बता नहीं देते हैं। और आज इस स्टैचू के थ्रू उनके सैक्रिफाइस को याद किया जाता है। तो बाय चांस चेतन से मिलकर थोड़ी सी बारिश में फंसकर खाना पीना और मेरी दवाई लेने के बाद, हाँ मैं अभी भी दवाई ले रहा हूँ, हम निकल जाते हैं साथ में वर्कला घूमने के लिए। अरे रुको 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 रुको, क्या हो गया? एक सेकंड यार रुको। ओ भाई ओ, क्या हुआ? तो 2 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा लगता है फिर से। हाँ अरे यार बात करते करते ध्यान से निकल गया मेरे। और इसने गलत रास्ता मेरे को पहली बार नहीं भाई, इसने तीसरी बार भटकाया। अब जब हम पहुंच जाएंगे मैं वहां पहुंच के सीधा अपडेट देता हूं। पर इसी बहाने यहां चेतन को बीच रोड पर एक छोटा सा टॉर्टोइस दिख जाता है जो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए फिर वो उसको उठाकर रोड की दूसरी साइड जाकर ड्रॉप कराता है और हम अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। हाँ इस बारे डायरेक्शंस मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को चेतन पे भरोसा नहीं है। खैर वीडियो का सेकंड पार्ट भी आ गया, लिंक कमेंट्स के अंदर है, जरूर देखिएगा। तो आज हमारी 100 दिन की जर्नी को पूरे 50 दिन हो चुके हैं और इन 50 दिनों में खूब सारा प्यार, खूब सारे कमेंट्स देने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। जो लोग चैनल पर अभी अभी नए जुड़े हैं उनके लिए आज एक छोटा सा रीकैप रील है जिसमें बताऊंगा कि कैसे मैंने अपना ये सफर बनारस से शुरू किया जहां पे मैं 5-6 दिन गुजारने के बाद सीधा चले गया कामाख्या और वहां से मेरा नॉर्थ ईस्ट का एक महीने का सफर शुरू हुआ।
नॉर्थ ईस्ट में मेरे साथ इतने ही कमाल कमाल के एक्सपीरियंसेस हुए जो मेरे दिल के बहुत पास हैं। मैं इतने काइंड काइंड लोगों से मिला। बट आप सभी लोगों को इस सीरीज की बेस्ट बात क्या लगती है वो एक वर्ड में कमेंट्स में जरूर बताइएगा, जिससे मैं आने वाले वीडियोस पर काम कर सकूं और उनको और भी बेहतर बना सकूं। मिलते हैं कल। तो 51st डे की शुरुआत होती है चेतन के साथ आईएलपी के बैकवाटर्स एक्सप्लोर करने से। बाय द वे, सोलो ट्रिप की यही तो खूबसूरत बात है, कब कौन कहां पर दोस्त बन जाए क्या ही पता चलता है। अब बैकवाटर्स घूमने के लिए शिकारा बोट्स और बाकी प्राइवेट बोट्स थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसीलिए हम गवर्नमेंट फेरी लेकर बैकवाटर्स का मजा लेते हैं, क्योंकि उसकी टिकट होती है मात्र 60 रुपए। और फेरी राइड के बाद शाम को कायकिंग भी एंजॉय करते हैं। भाई चारों तरफ पानी में सराउंड होके चाय पीने में ना अलग ही मजा आता है। बाय द वे, मैंने और भी कई सारी बातें बतानी है एलपी के बारे में, इसलिए इसका फुल वीडियो जल्दी आएगा। अब कल एक्चुअली एलपी हमने एक टिपिकल टूरिस्ट की तरह घूमा था, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को इतना मजा नहीं आया था, इसलिए आज हम एलपी घूमने वाले हैं अपने स्टाइल में, जिसकी शुरुआत होती है जब हम एक फेरी लेकर जाते हैं और किसी भी रैंडम गांव में उतर जाते हैं। अब इस जगह पर इतना मजा आता है कि वो मैं इस छोटे से शॉर्ट्स में नहीं बता सकता, इसलिए इसका फुल व्लॉग भी आ गया है, वो भी चेक कीजिए। इस 3-4 दिन के सफर और ढेर सारी मस्ती के बाद शाम को चेतन अपने घर वापस निकल जाता है और मैं रात को एक ट्रेन लेकर कोची की ओर बढ़ जाता हूँ। बाय द वे, चेतन का भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, उसको भी चेक कीजिएगा। कोची का मेरा सफर बहुत ही डिजास्ट्रस शुरू होता है। मैं सुबह सोकर उठता हूँ और भाई साहब मेरे कान में क्या सीवियर दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि मैं कुछ शूट नहीं करता, सिर्फ भागा भागा आंख में आंसू लिया केमिस्ट की दुकान पर जाता हूँ, क्योंकि उस समय कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। वापस आकर केमिस्ट की दी हुई वो ईयर ड्रॉप डालता हूँ तो कुछ शांति मिलती है। भाई मेरे को नहीं पता था कि कान का दर्द भी इतना सीवियर हो सकता है। वो पूरा दिन मैं बेड पर लेटे लेटे ही निकाल देता हूँ। पर शाम को मेरे हॉस्टल में मेरे को मिलते हैं ये सारे भाई लोग। अपने कान के दर्द को थोड़ा भूल जाने के लिए मैं इनके साथ एक गेड़ी मारने जाता हूँ। गेड़ी मारकर हम कुछ अच्छा खाना भी खा लेते हैं। सामने इतनी अच्छी आइसक्रीम रखी होती है, पर मेरे दिमाग में एक ही डर चल रहा होता है कि भाई प्लीज कल मेरे कान में दर्द ना हो। तो जी, कोची के एक बीच पर अभी मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, सोचो सोचो इस बारी मैंने क्या घुमा दिया है। तो बात शुरू होती है जब मैं अपने हॉस्टल वाले दोस्तों के साथ कोची के चिराई बीच जाता हूँ। और भाई साहब यहाँ आने के लिए तो आपको अपनी स्कूटी कार को एक फेरी से समुद्र पार करवाना पड़ता है। खैर, समुद्र पार करके मस्त नजारे देखते हुए, ओ यार रोड के दोनों साइड पर पानी है भाई। खैर, सब सुंदर सुंदर नजारे देखते हुए हम आ जाते हैं चिराई बीच। यहाँ पर मुझे नहीं पता मेरा दिमाग इतना तेज क्यों चल पड़ता है। और इसी तरह से मैं अपना इकलौता चश्मा खो देता हूँ। अब शाम को सबको मस्त सनसेट दिख रहा होता है, पर मुझे वो कुछ इस तरह का दिख रहा होता है। तो जी, सुबह की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से। इतनी बारिश में भीगते हुए अभी हर्ष और मैं जा रहे हैं मेरा बैग बैंगलोर कोरियर करने, जिसका रीजन आने वाले 2-3 वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। बाय गॉड भाई, बहुत मजा आने वाला है। खैर, उसके बाद मैं जाता हूँ अपनी कल वाली बेवकूफी सुधारने। बहुत सारे चश्मे ट्राई करने के बाद मैं फाइनल करता हूँ ये वाला। मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं फाइनल करता हूँ ये वाला और शाम को अपने कोची में बने दोस्तों को बाय बाय बोलकर एक फेरी लेता हूँ, जिसकी टिकट मात्र 6 रुपए की थी भाई। और आते हुए यही मैं ऑटो को 250 रुपए दे के आया था। और आ जाता हूँ कोची से अर्नाकुलम, जहाँ से रात के 12 बजे की मेरी मैसूर की बस है। अर्नाकुलम से मैसूर जा रहा होता हूँ, पर जब बीच रास्ते में आधे घंटे तक मेरी बस हिलती तक नहीं है, तब उतर कर देखता हूँ कि क्या चल रहा है भाई। नीचे आने पर पता चलता है कि साथ में बह रही नदी इतना ओवरफ्लो कर चुकी है कि अब उसका पानी रोड पर आ गया है, जिसकी वजह से कोई भी गाड़ी अब आगे नहीं जा सकती है। हालत इतनी सीरियस थी कि पुलिस को भी आना पड़ता है। तो आगे पूरी रोड ब्लॉक हो चुकी है, पूरी रोड में पानी पानी आ चुका है और इतना ज्यादा पानी है कि कोई भी गाड़ी नहीं जा पा रही है। पुलिस वाले मेरे ख्याल से अभी उन्होंने डिसाइड किया कि एक बड़ा सा ट्रक है उसको भेज रहे हैं, फिर पता चलेगा कि क्या सीन है रोड का। ट्रक से रेस्ट ले रहे हैं, बाकी सब लाइन में रुके हुए हैं। वो बड़ा सा ट्रक तो थोड़ी मुश्किलों के बाद निकल जाता है,
पर हमारा बस का ड्राइवर आगे जाने से मना कर देता है क्योंकि अपेरेंटली बस का फ्लोर इतना नीचे है कि अगर एक बार इतने पानी में बस घुसी तो पक्का खराब हो जाएगी। अभी पैसेंजर्स और बस वाले में थोड़ी नोकझोंक चल रही होती है कि तभी हम सब देखते हैं कि पानी को पार करती हुई एक बस उस साइड से इस साइड आती है और वो होती है KSRTC की बस। ये लोकल गवर्नमेंट की बसेस भाई कहीं भी जा सकती हैं। तो हम सब भी वेट में लग जाते हैं एक लोकल बस के जो हमें यहाँ से निकाल कर ले जाए और कुछ ही देर इंतजार करने के बाद बस आ जाती है। पर अब कैच ये है कि ये बस ऑलरेडी फुल है तो एक खाली गिनी 5-6 ही पैसेंजर्स को और लेकर जाएगी। और किस्मत तो तुम्हें मेरी पता ही है भाई, मैं लास्ट बंदा होता हूँ वो बस बोर्ड करने वाला। पानी को चीरती हुई हमारी KSRTC की बस आगे बढ़ना शुरू करती है और पानी का लेवल बढ़ता ही जाता है। पर KSRTC को कोई दिक्कत नहीं है, पानी का लेवल इतना हो जाता है कि पानी बस के अंदर आना शुरू हो जाता है भाई। पर तुम्हें पता है कि KSRTC को कोई दिक्कत नहीं है, वो पानी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ती रहती है जब तक एक ट्रक की वजह से बस को पानी के बीच में रुकना पड़ता है। एक्चुअली ये ट्रक खराब होकर पानी में फंस चुका है जिसकी वजह से अब हमारी बस भी आगे नहीं निकल सकती और अब हमारी बस पानी से कम्प्लीटली सराउंडेड है। जब 10-12 मिनट तक कुछ नहीं हो पाता तब दूसरी साइड से कुछ लोग आते हैं जो ट्रक को अपने हाथों से खिसकाते हैं और फिर ट्रक को क्रॉस करके जब फाइनली सड़क नजर आती है तब हमारी जान में जान आती है। सारी गाड़ियां सारे ट्रक खड़े हैं, बस हमारी इकलौती KSRTC की बस यहां से निकल पाई। और फिर सुंदर रास्तों पर सुंदर नजारे देखते हुए मैं पहुंच जाता हूं मैसूर, जहां से तुरंत ही एक बस लेकर मैं आगे कहीं और के लिए निकल जाता हूं। अरे भाई बहुत दर्द हुआ था। खैर हाँ, मुझे पता है कि मैं मैसूर नहीं घूमकर बहुत चीजें मिस कर रहा हूँ, पर जहाँ मैं अभी नेक्स्ट जा रहा हूँ और जिससे मैं वहाँ जाकर मिलने वाला हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जिसके बारे में मैं आपको कल बताऊँगा। तो मिलते हैं कल। तो अपनी थ्रिलिंग बस राइड कंप्लीट करके मैं पहुँचता हूँ TNarasipura, जो कि कर्नाटका में एक छोटा सा टाउन है। अब यहाँ मैं आया हूँ सचिन भाई से मिलने। सचिन भाई अभी कावेरी पदयात्रा कर रहे हैं, नर्मदा परिक्रमा और गौमुख से बनारस ही पहले ही पैदल चल चुके हैं। मेरे इस 100 डेज सीरीज को स्टार्ट करने के पीछे एक मेजर मोटिवेशन ये भी है। मैंने इनके साथ आज से 5 साल पहले वॉक किया था जब मैं ऋषिकेश से हरिद्वार पैदल चला था और आज मैं यहाँ आया हूँ इनकी कावेरी पदयात्रा में एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा बनने। तो कल से अगले 3 दिन कर्नाटका के गाँव से होते हुए कावेरी अम्मा के साथ साथ हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी। और अभी जो आप ये सारे विजुअल्स देख रहे हैं ये एक मंदिर है जो हमें रास्ते पर दिखा। यहाँ पर एक जैसी दिखने वाली मूर्तियाँ कई 100 रखी गई हैं। सोचकर ही इतना सही लग रहा है कि आने वाले 70 किलोमीटर की पैदल यात्रा में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं कल से। तो जी Day 58 और हमारे वॉक की पहले दिन की शुरुआत होती है TNarasipura से। आज से लेकर अगले 3 दिन के लिए मैं सचिन भाई की कावेरी पदयात्रा में एक छोटा सा हिस्सा बनूंगा। मैं ये पैदल यात्रा क्यों कर रहा हूँ मुझे इसका ठीक से जवाब तो नहीं पता है, पर इस भागती जिंदगी में मैं चीजें थोड़ी धीरे धीरे देखना चाहता हूँ। इसीलिए अगले 70 किलोमीटर मैं सचिन भाई और कावेरी अम्मा के साथ साथ बस चलता जाऊंगा। ओ भाई तो दोस्तों ये है नेचुरल सोफा। दिन में 18 किलोमीटर चलने के बाद हम एक जगह खाना खाने के लिए रुकते हैं जहाँ पर सिर्फ 35 रुपए में पूरी थाली और ऐसे मग्गों में पानी पीने को मिलता है। सचिन भाई बताते हैं कि यहाँ गांव में ये बहुत आम है, पर मैंने इस तरह का कुछ पहली बार ही देखा था। गांव की बात तो अलग ही होती है क्योंकि यहाँ पर अभी भी लोग कैपिटलिस्टिक गेन से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इन अंकल जी को ही देख लो, हम एक दूसरे की भाषा नहीं बोल सकते पर फिर भी ये हमें इतने प्यार इतने हक से खाना खिलाते हैं। मैं कोई तो सब्जी खाने से मना कर देता हूँ पर ये अंकल जी जैसे मेरे खुद के दादा हों, पूरे हक से मुझे वो सब्जी खिलाते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद मेरी सारी एनर्जी रिस्टोर होती है और मैं आ जाता हूँ अपने फुल ट्रैवलर मोड में। मजाक कर रहा हूँ भाई, बाहर धूप बहुत ज्यादा है और मेरी ये फेवरेट टोपी मुझे धूप से बचाएगी। रास्ते में हमें बहुत से खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं जो जवानी में भी हमें फिर से बच्चा बनने का मौका देते हैं। मेरा सोचना ये भी है कि बड़ा होते होते हम अपने दिल को पत्थर कर लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कितनी ही चीजें हमारे साथ होती हैं जिसकी वजह से हम खुद को एक शेल में डाल लेते हैं। वजह कुछ भी हो सकती है पर मेरे लिए दिल का पत्थर हो जाना मरने के जैसा है, क्योंकि फिर आप खुद को कुछ नया फील करने का मौका ही नहीं देते हो। बस अंदर टूट कर जो बिखर गया है
उसको संभालने में लग जाते हो। पर मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अंदर का जो बच्चा है उसको फिर से एक बार बाहर निकलने का मौका दीजिए, क्योंकि लाइफ आपके लिए बाहर एक गिफ्ट लेकर खड़ी हुई है। हो सकता है आज और आने वाले 2-3 वीडियोस में ऐसी ही बातों में मैं बहता रहूं, पर जब मैं वॉक कर रहा था तो यही सब कुछ तो हो रहा था। कुछ ना कुछ विचार मेरे मन में आ रहे थे जिनको बस मैं अभी आप सबसे बांट रहा हूं। और फिर ऐसे ही शाम को सूरज ढलने से पहले हम पहुंच जाते हैं तलाकाडू। तो भाई सुबह 8 बजे चलना शुरू किया था और अभी शाम के 6:15 हो गए हैं, और फाइनली 30 किलोमीटर चलने के बाद अभी हम लोग तलाकाडू पहुंच गए हैं। और अभी ये डिसाइड कर रहे हैं कि एक्चुअली तलाकाडू के मतलब जस्ट आउटस्कर्ट पे खड़े हैं, वहाँ लिख के आगे आता है तलाकाडू, यहाँ से कुछ 1-1.5 किलोमीटर और है। बट आज ये डिसाइड कर रहे हैं कि आज के लिए होटल नहीं लेते हैं, ये बहुत ही अच्छी, यहाँ पर पीछे कावेरी नदी तो बह रही है, यहाँ पर कुछ स्पॉट भी है, तो हमारे पास टेंट है, आज हम यहाँ टेंट पिच कर लेते हैं, टेंट में सोएंगे एंड देन कल अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो शाम को हम होटल ना लेकर एक सेफ और अच्छा स्पॉट देखकर अपना टेंट लगाते हैं ठीक कावेरी अम्मा के सामने। और यहाँ दिन की ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर की वॉक कंप्लीट करने के बाद कावेरी अम्मा के सामने सचिन भाई नाचने लग जाते हैं। मुझे नहीं जानना कि ऐसा क्यों था, पर वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा रियल था, क्योंकि मैं उनके चेहरे पर एक बहुत ही गहरी खुशी देख पा रहा था, जो खुशी कोई प्रमोशन, कोई तरक्की शायद ही आपको कभी दे पाए। आज की कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको सचिन भाई के बारे में और भी कुछ जानना है तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं कल। पिछली रात नदी किनारे टेंट में गुजारने के बाद हम चल देते हैं तलाकाडू की ओर, जो कि अब बस कुछ 2-3 किलोमीटर ही दूर था। रास्ते में क्यूट सी चाय की दुकान दिखती है तो रुककर चाय ले लेते हैं कि इतने में ही जोरों से बारिश होने लगती है। लगता है अपना चाय का स्टॉप लेना सही रहा। जब 1 घंटे तक भी बारिश नहीं रुकती तो हम हल्की बारिश में ही चलना शुरू करते हैं और पहुंच जाते हैं तलाकाडू। ये छोटा सा टाउन कर्नाटका में कावेरी नदी के लेफ्ट बैंक पर बना है। अब इसकी ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जा पाऊंगा, पर ऐसा कहते हैं कि इस शहर को सालों पहले श्राप मिला था जिसकी वजह से ये जगह मिट्टी में समा गई थी। यहाँ 35 भव्य मंदिर हुआ करते थे जो कि सालों पहले मिट्टी तले दब गए। 1996 में हुई पहली आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में कुछ मंदिरों को मिट्टी से बाहर निकाला गया। और ऐसे ही सालों पुराने मंदिर श्री वैद्यनाथेश्वर मंदिर को जब मैं देखने गया तो कुछ बहुत ही अलग सा लगा। अक्सर मंदिरों में मुझे बहुत सी भीड़ देखने की आदत है, पर यहाँ इस मंदिर में ज्यादा लोग नहीं थे, जिससे मैं इस जगह को और अच्छे से महसूस कर पाया। हजारों साल पुराने आर्किटेक्चरल मार्वल ने मुझे हैरान और प्राउड वाली फीलिंग एक साथ ही दे दी थी। पर कुछ बहुत ही अनोखा होता है जब मैं मंदिर के गर्भ कुटीर में पहुंचता हूं और सामने रखी भगवान शिव की मूर्ति को देखता हूं। मुझे इतनी पावरफुल प्रेजेंस कभी फील नहीं हुई। कुछ मिनटों तक बिना कुछ भी करे, बिना कुछ भी सोचे, मैं बस उस मूर्ति को देखता रहता हूं। ध्यान तब टूटता है जब पंडित जी पीछे जाकर बैठने को कहते हैं, और फिर बस हम कुछ 4-5 लोग ही मंदिर में शाम की आरती देखते हैं। अब शायद सुनने में ये इतना ग्रैंड नहीं लग रहा होगा, पर जब ये हुआ था तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इस जगह में इतनी शांति थी कि फिर अगला पूरा दिन भी हम यहीं गुजार देते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं करते। इस तरह से लंबी वॉक के बाद बॉडी को ज़रा आराम भी मिलता है और ये जगह दिल में भी बस जाती है। इससे ज़्यादा शांति वाली जगह ना। स्पेशल थैंक्स एंड मेंशन इन भाई जी को जो हमें इतने प्यार से रात को खाना खिलाते थे। अब टेस्टी खाना बहुत लोग बना सकते हैं, पर अपना समझकर किसी को खाना खिलाना कुछ ऐसा है जो कि सब नहीं कर सकते। ये जगह और वो फीलिंग हमेशा साथ रहेगी मेरे। अब आज की कहानी यही ख़त्म करते हैं और कल अपनी आगे की वॉक कंटिन्यू करते हैं। मिलेंगे कल। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं वो पहले जाकर उन्हें देख लें, लिंक कॉमेंट में मैंशनड है। तो तीसरे दिन की वॉक की शुरुआत होती है तलाकाडू से शिवन समुद्र। अब ये दिन पहले 2 दिनों से बहुत अलग था, क्योंकि इस दिन वॉक करते हुए मुझे ज्यादा कुछ ख्याल ही नहीं आ रहे थे। अक्सर जो दिमाग शोर करता रहता है, टेंशनों में घिरा रहता है, वो सब थम गया था और मैं बस उस मोमेंट में बहता चला जा रहा था। जो चीजें मेरे आसपास थी उनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहा था। सचिन भाई जो पहले दिन की वॉक के बाद नाच उठे थे, आज मुझे समझ आता है कि ऐसा क्यों था। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ये फीलिंग मैं आपको इन वीडियोस के थ्रू पूरी तरह से नहीं समझा सकता, क्योंकि इन्हें समझने के लिए ये सब आपको खुद महसूस करना होगा। हाँ, अब भाई ने सोते हुए मेरा चुपके से वीडियो बना लिया, पर सच में पता ही नहीं चला कि कब कावेरी अम्मा के साथ साथ वॉक करते हुए ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर कवर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं शिवन समुद्र, जिसको हम कल घूमेंगे। तो मिलते हैं कल। वॉक के आखिरी दिन की शुरुआत होती है एक बहुत ही टाइट ऑटो राइड से। ऑल्सो क्या टेस्टी टेस्टी नाश्ता करवाया इन आंटी ने, और हम पहुंच जाते हैं शिवन समुद्र में इस वॉटरफॉल पर।
अब मेरा 5-10 मिनट में मन भर जाता है, वॉटरफॉल ही तो है, देख लिया। पर मैं सचिन भाई को देखता हूँ जो ऑलमोस्ट एक घंटा इस वॉटरफॉल को देखते और इसके अलग अलग एंगल से फोटो निकालने में बिता देते हैं। मुझे बात समझ नहीं आती तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसा क्या खास है इस वॉटरफॉल में, आई मीन बहुत सुंदर है पर और क्या। तो वो बताते हैं कि उन्होंने तला कावेरी, जहाँ से कावेरी नदी बहना शुरू होती है, वहाँ से अम्मा को बहते देखा, तब बहते देखा जब एक छलांग मारकर नदी पार की जा सकती थी, और आज 733 किलोमीटर की वॉक के बाद वो अम्मा को उनकी फुल ग्लोरी में बहता देख पा रहे हैं, जैसे जन्म से लेकर एक छोटी बच्ची अब बड़ी हो गई हो। ये स्टेटमेंट मुझे एहसास दिलाती है कि लाइफ में कितने अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, और सुंदरता हर जगह छुपी है, बस वो नजर चाहिए। और शाम को सचिन भाई को बाय बाय बोलकर मैं बढ़ जाता हूँ बैंगलोर की ओर। अपनी ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर की वॉक कंप्लीट करके मैं आ जाता हूँ। अब बैंगलोर में मैं किसी हॉस्टल या होटल में नहीं रुकता, मैं रुकता हूँ यहाँ अपनी दीदी के घर, जहाँ दीदी ने मेरे वेलकम में बड़ा ही कुछ फैंसी प्रिपेयर किया होता है, जिसको जब मैं गिरा देता हूँ तो झाड़ू से साफ भी मुझे ही करना पड़ता है। बाकी पूरा दिन मैं कुछ खास नहीं करता, हाँ अपना फटा जूता ठीक करवाने जरूर जाता हूँ, और उसके बाद वापस आकर बिस्तर पे धम से पड़ जाता हूँ। 4 दिन की लंबी वॉक के बाद इतना ब्रेक तो बनता है। बैंगलोर के अच्छे वेदर को और अच्छे से फील करने के लिए मैं जाता हूँ ऑन अ रोड ट्रिप टू नंदी हिल्स। रस्ते में मुझे एक पहाड़ दिखता है और मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं रोड छोड़कर ऑफ रोडिंग करते हुए ये पहाड़ चढ़ने की सोचता हूँ। ऐसा लग रहा होता है कि पहाड़ मुझसे कह रहा हो कि भाई एक बार आकर तो देख यहाँ टॉप पर। थोड़ा और कंसिडर करके और पैरों में अपनी चप्पल देखने के बाद मैं वापस अपने सेंसेस में आता हूँ और पहाड़ चढ़ने का आइडिया ड्रॉप कर देता हूँ। पर इस बहाने मुझे सुंदर शांति जगह मिलती आज है। मैं थोड़ी देर यहीं बैठने वाला हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है इधर बैठ के। देखो वो पहाड़ जिसपे मैं जाना चाहता था। थोड़ा सोलो क्वालिटी टाइम वहाँ बिताकर मैं चल देता हूँ नंदी हिल्स की ओर। सालों पहले जब यहाँ आया था तो ये जगह बड़ी मस्त लगी थी, बादलों के बीच में ठंडी ठंडी हवाएं, वाह वाह। पर आज जब यहाँ पहुंचा हूँ तो सुंदर नजारे तो नहीं, बस एक ही चीज देखने को मिली है। अब ऐसी जगह में मुझे सिंगल आदमी का क्या काम, तो मन में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट और थोड़ी सी जेलसी लेके मैं वापस निकल जाता हूँ बैंगलोर की ओर। 3 दिन बैंगलोर में बिताने के बाद मैं आ जाता हूँ हम्पी। अब वैसे तो मैं कभी किसी की बातों में नहीं आता, पर यहाँ सुबह सुबह जब ऑटो वाले भाई ने मुझे कहा कि वो मुझे एक अच्छा सनराइज पॉइंट दिखाएंगे, तब पता नहीं क्यों मैं मान गया, और वो मुझे ले आते हैं श्री माल्यवंता रघुनाथ टेम्पल। सुबह 5 बजे भी यहाँ भजन चल रहा होता है। पता चलता है कि इस मंदिर में श्री राम मेडिटेशन किया करते थे, और अब यहाँ 24 घंटे 7 दिन भजन कभी भी नहीं रुकता है। उस हवा में कुछ तो बहुत डिवाइन था जो मेरी आंखें भराती हैं। ऐसा लग रहा होता है कि इतने लंबे सोलो ट्रिप के बाद किसी अपने ने मुझे गले से लगा लिया हो। करीब 45 मिनट वहाँ बिताने के बाद पुजारी जी मुझे सनराइज पॉइंट की तरफ जाने के लिए कहते हैं, जो कि मंदिर से कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर ही था। और जब फाइनली मैं ऊपर पहुँचता हूँ तो व्यू कुछ ऐसा देखने को मिलता है। हम्पी की इस हवा में कुछ तो बहुत अलग सा है। लगता है आने वाले 3 दिन यहाँ बहुत ही यादगार बीतने वाले हैं। हम्पी के सफर की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से। अब एक्चुअली हम्पी घूमने के मेरे पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1 साइकिल, जो कि मैं नहीं ले रहा हूँ, बट जो चीज मैं एक्चुअली ले रहा हूँ ना वो बड़ी कमाल की है, दिखाता हूँ इन 3, 2, 1। और घूमता घुमाता मैं पहुंच जाता हूँ विरूपक्ष टेम्पल। हमारे अद्भुत आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है ये टेम्पल, जो की डेडिकेटेड है शिव भगवान को। फिर दिल की खुशी और भी बढ़ जाती है जब साथ ही बहती नदी देखता हूँ, फिर और बढ़ जाती है जब वहाँ नारियल पानी पीता हूँ, और फिर और भी बढ़ जाती है जब गजराज भाई। दोस्तों बहुत कम ऐसे दिन होते हैं जब मेरा मन करता है कि मेरे साथ कोई आया होता, मैं उसे फोन पकड़ाता, कहता भाई मेरी फोटो खींच दे। आज वैसे एक दिन है। यू कैन जस्ट होल्ड इट लाइक दिस, आई विल गो एंड स्टैंड ऑन। ओके, अब शॉट तो परफेक्ट नहीं आया, पर इमोशन समझो। आज की सुबह सूरज से भी पहले उठकर मैं और मेरी मोपेट निकल पड़ते हैं हम्पी घूमने। कुछ ही देर में हम पहुंच जाते हैं श्री विजय विट्ठला टेम्पल, जो कि अब तक ओपन नहीं हुआ था। इंतजार करते हुए मुझे अंकल लोग मिलते हैं जो कि पास ही के गांव से ये टेम्पल घूमने आए थे। और फिर हम साथ में देखते हैं ये स्टोन चैरियट। जी हाँ, ये वही स्ट्रक्चर है जो कि 50 रुपए के नोट पर देखने को मिलता है। ऐसा भी कहते हैं कि इस मंदिर के पिलर्स में से संगीत निकलता है, जो कि हम सुन नहीं पाते हैं क्योंकि तब उस एरिया में जाना अलाउड नहीं था।
पर यहाँ इस टेम्पल का स्टाइल और डिटेलिंग दिखाता है विजयनगर एम्पायर का आर्किटेक्चर ब्रिलियंस। समय में पीछे जाकर कभी कुछ महसूस करने का मन हो तो यहाँ जरूर आइएगा और अगर सुंदर सुंदर फोटोज खिंचवाइएगा जो कि मैं कर पाता हूँ इन भाई की मदद से। मैंने कहीं सुना था कि कभी सैड या लो फील कर रहे हो तो चॉकलेट खाओ, अच्छा लगेगा। इसलिए कल मैं 2 चॉकलेट्स ले आया था, जिसमें से एक तो मैंने कल रात ही खा ली थी, पर मुझे नहीं पता था कि दूसरी की ज़रूरत आज ही पड़ जाएगी। तो बात है जब मैं सूरत से पहले उठकर अपनी मोपेड पर हम्पी देखने निकला था। अब मैं तो मस्त इन्जॉय कर रहा होता हूँ, पर पता ही नहीं चलता इस इन्जॉयमेंट में रस्ते के बीच में कब मेरा 360 कैमरा मेरे बैग से निकल कर गिर जाता है। 1 घंटे बाद जब मुझे रियलाइज़ होता है तो मैं वापस से उन सब रास्तों पर जाता हूँ, पर कैमरा कहीं देखने को नहीं मिलता। वापस आकर परेशान बैठा होता हूँ तभी वो चॉकलेट नज़र आती है, जिसको खाकर अपने गम को कम करने की कोशिश करता हूँ और ख़ुद को कोसता हूँ कि मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ। अब तक इस ट्रिप पर मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन तोड़ चुका हूँ, अपना छोटा ट्राईपॉड खो चुका हूँ, चश्मा खो चुका हूँ और आज मेरा कैमरा। और यार इतनी सही सही फुटेजेस थी ना उसमें, सब चली गई। खैर कोई नहीं, मिलते हैं कल। अच्छा, अब हम्पी में एक बड़ी यूनिक चीज देखी मैंने जो आज से पहले मैंने तो कहीं नहीं देखी थी। यहाँ पर इस एरिया में एटीएम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर है ऐसी बैंक ऑथराइज्ड लोकल शॉप जहाँ पर आप अपना कार्ड स्वाइप करा के दुकान वाले दादा से कैश ले सकते हो, जिसको लेकर मैं एक ऑटो करता हूँ और निकल जाता हूँ हम्पी की सानापुर लेक। मेरे पीछे व्यू देखो, अब मेरे सामने व्यू देखो। पर खैर मैंने इंटरनेट पर देखा था कि इस लेक में क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, पर ये यूनिक कुराकल बोट, आई होप मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट एक गोल से दिखती हुई बोट का एक्सपीरियंस मुझे लेना था, इसीलिए मैं डरते डरते बोट में बैठता हूँ जहाँ मेरे ऑटो वाले दादा भी मुझे ज्वाइन करते हैं। नज़ारे बढ़िया होते हैं पर मेरी नज़र सिर्फ क्रोकोडाइल को खोजने में लगी होती है। जी, क्रोकोडाइल तो नहीं आ जाएगा यहाँ पे? क्रोकोडाइल नहीं है इसमें। अब क्रोकोडाइल हो या नहीं, पर ऐसे राउंड एंड राउंड घूमने में मजा खूब आता है। आज मैं जा रहा हूँ उस मंदिर जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था, पर दिक्कत की बात यह है कि 6:30 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है और थोड़े से ट्रैफिक में फंसने के बाद मेरे पास 10 ही मिनट बचे हैं ये 500 सीढ़ियां चढ़कर अंजनाद्री बेट्टा के टॉप पर पहुंचने में, जो कि मैं 9 मिनट में ही पहुंच जाता हूँ। पर ऊपर चढ़कर पता चलता है कि ये मंदिर 6 बजे ही बंद हो गया था, पर मैं दिल छोटा नहीं करता क्योंकि सामने इतना प्यारा सनसेट हो रहा होता है। हम्पी के ट्रिप की शुरुआत हुई थी सनराइज देखते हुए और आज ये ट्रिप का एंड मैं कर रहा हूँ हनुमान जी के मंदिर से सनसेट देखते हुए। और क्या ही चाहिए। बाय द वे, हम्पी में मुझे हमारे 2 प्यारे सब्सक्राइबर्स भी मिलते हैं जिनके साथ मस्त चाय पकौड़ा खाकर ये पूरी ट्रिप कंप्लीट करता हूँ और आगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर निकल जाता हूँ हम्पी से एक बस लेकर। हाँ, मैं ऐसी स्लीपर बस ही प्रेफर करता हूँ जिससे ट्रैवलिंग भी हो जाती है और रात को होटल का किराया भी बच जाता है। खैर, हम्पी से एक बस लेकर सुबह 3:30 बजे मैं आ जाता हूँ गोकर्णा, जहाँ पर मुझे मेरे बीच के पास वाले होमस्टे तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता है। अब आप सोच सकते हो कि भाई इसमें क्या था, बीच तक जाना तो बहुत आसान होता है, मगर गोकर्णा के इस बीच तक पहुँचना बिल्कुल आसान नहीं है। अब 3:30 बजे मैं होटल वालों को भी कॉल करके नहीं जगाता और चुपचाप एक शेड देखकर सुबह होने का इंतज़ार करता हूँ। पर ये चीज़ देखो भाई, आज से 70 दिन पहले मैं ऐसी जगह पर अकेले वेट करने का सोच भी नहीं सकता था, डर लगता। पर आज 70 दिन की इस जर्नी के बाद मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ और मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सुबह सूरज निकलता है तो ऐसे रास्ते से होते हुए मैं कुडले बीच साइड पहुँचता हूँ। गोकर्णा को कुछ लोग मिनी गोवा भी कहते हैं और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आपको एक ऐसा बीच देखना है जहाँ ज़्यादा लोग ना हो और खाने पीने की फैसिलिटीज भी अवेलेबल हो तो आप गोकर्णा आ सकते हैं। गोकर्णा में अपने होमस्टे से निकलकर बीच साइड होता हुआ, मैं इन दोनों को कोई स्टॉप नहीं कर रहा हूँ भाई, शायद हम लोग सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। खैर, बीच साइड होता हुआ मैं गोकर्णा देखने निकलता हूँ जब ही मुझे ये बोर्ड दिखता है, शिवा केव। कुछ कदम बोर्ड की डायरेक्टली डायरेक्शन में चलता हूँ तो मुझे एक केव दिखती है। अब मेरा मन तो बहुत था केव को अंदर से देखने का, पर मेरे उसी मन में अकेले अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो पाती है। डिसअपॉइंट होकर मैं वापस जाने ही लगता हूँ तभी ये दोनों लोग भी वहां जाते हैं। Are you guys planning to go in? I'm afraid I cannot. ये लोग खुद अंदर जाते हैं और जब मुझे भी अंदर बुलाते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं रुकता, तेजी से इनके पीछे पीछे केव के अंदर चल देता हूँ, जहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये जगह देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह जाता है। ऊपर हिल में बने उस होल से क्या परफेक्ट लाइट उस मेडिटेशन स्पॉट पर गिर रही होती है, जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा हो, है ना कमाल की जगह।
गोकर्णा के बीचेस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह, छोड़ो भाई मैं नहीं बता रहा कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट कोई गेस कर सकता है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज मंकी मैजिक के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में अपनी ट्रैवल स्टोरी से ब्रेक लेकर पंकज त्रिपाठी सर का एक मैसेज शेयर करूंगा जिससे मैंने तो पर्सनली बहुत कनेक्ट किया। मुझे लगता है ना कि 12वीं के बाद हर बच्चे को ना या तो स्टेट सरकारें करें या उसके माँ बाप करें या वो खुद से करें, बिल्कुल लोकल ट्रेन में मतलब स्लीपर क्लास में कम से कम पैसों में पूरा भारत घूमे। बहुत सस्ता है इस देश में घूमना, बहुत ही सस्ता है। मैं बहुत घूमा हूँ, हर जगह पे आपको धर्मशाला गुरुद्वारे मिल जाएंगे जहाँ आप रात गुजार सकते हैं, और वो यात्रा इस देश को घूमना ना आपको कुछ से कुछ बना सकता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई जगह पर नए किस्से और कहानियों के साथ। गोकर्णा से एक ट्रेन लेकर मैं आ जाता हूँ सबसे हैपनिंग शहर जहाँ पार्टी है और भी ज्यादा थोड़ी पार्टी है, पर मैं तो पार्टी करता ही नहीं हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ आया था दूध सागर वाटरफॉल्स देखने, जो कि किन्हीं वजहों से मैं नहीं जा पाता हूँ, पर इस बहाने मेरे हॉस्टल में मेरी मुलाकात होती है उदित से, फिर मुक्का मार दूंगी से, ये लेजेंड इसका इंस्टाग्राम अकाउंट है भाई, और फिर मंदिरा से। ट्रैवलर हॉस्टल लेने का यही फायदा होता है, आप अपने जैसे लोगों से मिल पाते हैं और वो जगह साथ में एक्सप्लोर कर पाते हैं, जो कि हम करते हैं। गोवा की सबसे एस्थेटिक जगह पणजी, जहां हर कोई सिर्फ फोटो खिंचवाने आता है, तो हम भी फोटो खिंचवाते हैं, बहुत सारी फोटो खिंचवाते हैं। वहां के फेमस जोसेफ बार भी जाते हैं जहां पर सब फैनी एंजॉय करते हैं, पर मैं अपनी कोक से ही चेयर्स बोलता हूँ। पूरा दिन ऐसे ही पणजी की गलियों में एमलेसली हांडने के बाद शाम को अंशिका को बर्थडे विश करके रात की बस से मैं निकल जाता हूँ पुणे की ओर। आज मैं पुणे आया हूँ एक बहुत ही स्पेशल रीजन से, अपने इंस्टीट्यूट FTII में सिर्फ कुछ समय बिताने के लिए। ये जगह इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट फिल्म स्कूल है, जहां से 2019 में मैंने स्क्रीन राइटिंग की पढ़ाई करी थी। मेरी लाइफ का सबसे हैप्पी फेज यहीं बीता है, जब हम सिर्फ दिन रात फिल्म पढ़ते और फिल्म देखते थे। और आज कुछ सालों के बाद कॉलेज जाकर वही पुरानी कैंटीन में अपना फेवरेट पोहा उपमा मिक्स खाता हूँ, शाम को स्टूडेंट फिल्म्स की स्क्रीनिंग अटेंड करता हूँ, भाई यार सच में कितनी सही फिल्म्स बनाते हैं ये लोग, और बाकी का टाइम अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेलने में निकाल देता हूँ। फिर शाम को FTII के फेमस विजडम ट्री के पास सुकून से बैठता हूँ। अब बीता हुआ समय वापस तो नहीं आता है, पर कभी कभी उस गुजरे वक्त को याद करके सुकून बहुत मिलता है। पुणे से निकलकर मैं आ जाता हूँ औरंगाबाद, जहाँ से एक बस लेकर पहुँच जाता हूँ एलोरा केव। ये जगह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हजारों साल पुराने इंडियन आर्किटेक्चर मार्वल यहाँ देखने को मिलते हैं। अब इससे ज्यादा मुझे भी कुछ नहीं पता था इस जगह के बारे में, इसीलिए मैं एक ऑफिशियल गाइड हायर करता हूँ ताकि चीजें बेटर समझ पाऊँ। गाइड का गवर्नमेंट अप्रूव्ड फिक्स चार्ज होता है 1800 रुपीज, पर किस्मत तो तुम्हें मेरी पता ही है, मुझे यहाँ एक फैमिली मिल जाती है जिनके साथ मैं पूरा टूर ले पाता हूँ, पैसे भी स्प्लिट हो जाते हैं और मजा भी बहुत आता है। एलोरा में टोटल 34 केव्स हैं, यहाँ जैन टेंपल्स, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और कैलाश टेंपल एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन की हाई लेवल ऑफ स्किल्स एंड प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स ह्यूज रॉक्स एंड बोल्डर्स को कट करके बनाए गए हैं, जो कि आज भी समझना मुश्किल है कि हजारों साल पहले इतनी प्रिसिजन और इतनी परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ ये टेंपल्स बने तो बने कैसे। यहाँ की ग्रैंडनेस और स्केल आपको तभी समझ आएगा जब नीचे खड़े होकर आप टावरिंग कैलाश टेंपल को देखोगे, कितना कमाल का है हमारा प्यारा भारत। क्या आपको कभी ना चाहते हुए भी किसी का बॉडीगार्ड बनना पड़ा है? वेल, मेरे साथ ऐसा ही कुछ होता है जब मैं अपने हॉस्टल में सीधर से मिलता हूँ। सीधर स्पेन से इंडिया घूमने आया है और हॉस्टल में मिलने के बाद हम साथ में छत्रपति संभाजी नगर घूमने निकलते हैं और पहुँच जाते हैं ताजमहल। अब ये ताजमहल नहीं है, पर देखने में काफी हद तक उसके जैसा ही है। इस मॉन्यूमेंट को बोलते हैं बीवी का मकबरा, जो कि औरंगजेब ने बनवाया था। अभी हम साथ घूम ही रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग आकर सीजर के साथ फोटो खिंचवाने को बोलते हैं। फिर और कुछ लोग आते हैं। ओ भाई साहब, हर 2 मिनट में कोई ना कोई आना शुरू कर देता है। मुझे गोरे रंग के साथ अपना ऑब्सेशन समझ नहीं आता है। ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है भाई, नॉर्मल स्पेन का आदमी है, पर इतने लोग आने लगते हैं कि मैं सीधर को सजेस्ट करता हूँ कि सबसे 100-100 रुपए लेना शुरू कर दे फोटो के लिए, जो कि ऑब्वियसली हम नहीं करते हैं। हॉस्टल में मुझे जर्मनी से भी ये भाई मिले थे, जो कि सेम फोटोज क्लिक करवाने का इंसिडेंट डिस्क्राइब करते हैं। प्लीज अगर आप किसी को ऐसा करते देखते हो तो उन्हें मना कर दिया करो यार, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आज की सुबह की शुरुआत होती है इस गोरे को देसी टपरी चाय पिलाकर, जिसके बाद हमें कैब से, जो कि रास्ते में खराब हो जाती है, थोड़ी परेशानियों के बाद पहुंच जाते हैं अजंता केव्स। इन केव्स को एलोरा की गुफाओं से भी पुराना माना जाता है। यहाँ की पेंटिंग्स कमाल की एंशियंट इंडियन आर्टिस्ट्री को दिखाती हैं, और अभी जो आप स्क्रीन पर फोटो देखने वाले हो, ये देखकर तो मुझे गूज़बम्प्स आ गए थे। क्या ही कमाल का दौर होगा वो, जहाँ टेक्निकल ब्रिलियंस और आर्ट का प्रदर्शन साथ साथ होता था।
दिन के एंड में एक सरप्राइजिंग चीज और होती है जब सीजर मुझे एक गिफ्ट देता है जिसको हमेशा की तरह मैं कैमरा के लिए री रिकॉर्ड करवा लेता हूँ। I don't know what's inside, but I'll see later. Thank you. पता ही नहीं चला सिर्फ दो तीन दिन थोड़ा समय साथ बिताकर हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। कल ही सीजर का मुझे एलोरा वाला वीडियो देखकर मैसेज आया था कि कैसे वो वेट कर रहा है कि मैं कभी स्पेन जाऊं तो वो भी मुझे ऐसे साथ घुमा पाए, जो कि थोड़े सालों बाद मैं जब दिल्ली से लंदन रोड ट्रिप पर जाऊंगा तब उससे पक्का मिलूंगा। सो थैंक यू सीजर। अजंता और एलोरा की समय से भी परे वाली केव्स देखकर मैं आ जाता हूँ एक ऐसे शहर जो कभी सोता नहीं है, एक ऐसा शहर जहाँ हर कोई सपने तो देखता है पर उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी उतनी करता है। लोकल ट्रेन जहाँ की लाइफ लाइन है और बीच साइड भागती हुई जिंदगी से गेट अवे। जी हाँ, मैं आ जाता हूँ मुंबई। अब मुंबई में मैं किसी हॉस्टल होटल या होमस्टे में नहीं रहता, मैं एक जेट्टी लेकर समुद्र क्रॉस करके पहुंच जाता हूँ मड आइलैंड जहाँ अपने दोस्तों के घर क्रैश करता हूँ। शाम को एक छोटी सी बाइक राइड से बीच साइड जाते हैं जहाँ मौसम कुछ इस तरह से हमारा वेलकम करता है। तो मिलते हैं कल से और साथ में मुंबई घूमते हैं। मैंने सुना तो था कि शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, पर क्या ऐसा मेरे जिगरी दोस्त कुणाल के साथ भी हुआ है? ये बात कंफर्म हो जाती है जब मैं 2 सालों बाद उससे मिलता हूँ और वो मुझे 55 रुपए की चाय पिलाता है। ये टपरी पर चाय पीने वाला आदमी आज मुझे यहाँ लाया है। वाह, खैर मस्ती मजाक से हटकर अभी मैं कुणाल के घर बैठा ही होता हूँ जब हमें साथ ही की पड़ोसी फैमिली गणपति विसर्जन के लिए इनवाइट करती है। 17, 18, 19, 20, अब मुंबई में मैंने ये फेस्टिवल पहले कभी नहीं देखा है। तो खुशी खुशी उनके साथ चल पड़ता हूँ। विसर्जन की जगह पर लोगों की खुशी और एक्साइटमेंट देखता हूँ तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। यही सब तो देखने में मुंबई आया था। फैमिली के बताने पर मैं भी पप्पा के कान में एक विश मांग लेता हूँ। थैंक यू जोरियन प्रसाद फैमिली जिन्होंने मुझे घर में इनवाइट किया और इस विसर्जन का एक पार्ट बनाया। मुंबई में मस्त लाल बाग के राजा के दर्शन करने गया होता हूँ, 2 घंटे से लाइन में लगा होता हूँ जब अचानक मुझे याद आता है कि आज शाम को तो मुझे मेरे पुराने सब्सक्राइबर और अब दोस्त से मिलने जाना था। बप्पा के दर्शन करके निकलता हूँ और बस 45 मिनट की देरी से पहुँच जाता हूँ गेटवे ऑफ इंडिया। ये है श्रेयस जो कि हमारा बहुत पुराना सब्सक्राइबर है और अभी अभी पढ़ाई करने के लिए मुंबई आया है। अब हर बार ऑफ बीट जाना जरूरी थोड़ी है, इसीलिए मुंबई घूमने के लिए हम सबसे कमाल की चीज लेते हैं। 150 रुपए के अंदर ये बस हमें मुंबई दर्शन करवाती है गेटवे से मरीन ड्राइव और वहाँ से चौपाटी ले जाती है। मरीन ड्राइव की एक बहुत ही खास जगह है मेरे दिल में। जब कभी अपने मुंबई के इंटर्नशिप डेज में ऑफिस में डांट पड़ती थी तो मैं यहाँ रात को आकर मस्त बैठ जाया करता था और फुल फिल्मी फील्स लेता था। आज सालों बाद इस जगह को फिर से देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुंबई में 5 दिन अपने दोस्तों के घर बिताने के बाद आज मैं ट्रिप को बीच में ही रोक कर जा रहा हूँ दिल्ली वापस। आज खुशी की बात है, आज हम अपना ट्रिप बीच में रोक के जा रहे हैं घर को। ऐसा क्यों है ये आगे पता चले। मुंबई के फेमस सीलिंग से होता हुआ मैं पहुंच जाता हूं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जहां पर मेरी नजर इन स्लीपिंग पॉट्स पर पड़ती है। टॉप क्लास स्लीपिंग फैसिलिटी यहां हमें मिलती है 500 रुपए देकर 12 घंटों के लिए। इन स्लीपिंग पॉट्स में अच्छी एसी कूलिंग है, डेडिकेटेड चार्जिंग पोर्ट्स है, प्राइवेसी है एंड बाथरूम भी देख लो भाई, काफी क्लीन है और काफी ज्यादा बढ़िया है। खैर आज मेरे घर वापस लौटने की बहुत ही खास वजह है जिसके बारे में मैं कल बताऊंगा। तो मिलते हैं कल। अब तक की इस 80 दिन की अपनी जर्नी में मैंने जनरल में ट्रैवल किया, स्लीपर में ट्रैवल किया, सेकंड एसी में ट्रैवल किया, पर जो एक चीज मैंने आज तक नहीं करी है वो है ये राजधानी फर्स्ट क्लास। अभी मैं खुशी खुशी ट्रेन में चढ़ा होता हूँ पर ऐसी सिटिंग देख के तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है। ऐसी सिटिंग तो सेकंड एसी में भी होती है भाई, पर पता चलता है कि मेरा कैबिन तो 7 वाला है जिसमें सिर्फ मैं अकेला मुंबई से दिल्ली की जर्नी करने वाला हूँ। ट्रिप की शुरुआत होती है चाय सैंडविच और इस बादाम के पैकेट से, और रात को कोई सेट थाली नहीं बल्कि घर जैसा खाना अनलिमिटेड सर्विंग में मिलता है। कोई लाइट का स्विच नहीं है, इसको दबाकर आप बाहर से किन्हीं अटेंडेंट को बुला सकते हो, जो कि मैं लाइट समझकर जब गलती से दबा देता हूँ तब पता चलता है। रात में नीली लाइटें करके मस्त सो जाता हूँ, सुबह अगेन ये फैंसी सा नाश्ता करके टाइम से पहुंच जाता हूँ दिल्ली। ये जर्नी पूरी की हमने 18 घंटे में और टिकट का प्राइस था 5300 रुपीज, जो कि नॉर्मल एक फ्लाइट के टिकट के बराबर है। इस जर्नी का एक्सपीरियंस मैंने एक एक्सटेंडेड कट में भी बताया है, लिंक कमेंट्स में है, जरूर चेक कीजिएगा। तो देखो अब डेली सुबह 7 बजे होता क्या है ना, सुबह 7, 7:15 बजे मेरी मम्मी का मेरे को रोज कॉल आता है क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ। तो माँ का होता है कि भाई फोन करके पूछ लो लड़के का हालचाल कैसा है, बट आज मम्मी का कॉल नहीं आया और अभी 10 बज गए हैं।
क्योंकि आज मेरी मम्मी का है बर्थडे और उन्हें लग रहा है कि मैं उनका बर्थडे भूल चुका हूँ और मैंने उनको कॉल नहीं किया है, इसलिए वो नाराज है मेरे हिसाब से उन्होंने, क्योंकि मेरे को इग्नोर मार दिया आज। बट उनको ये बात नहीं पता है कि मैं स्पेशली मुंबई से ट्रेन लेके जा रहा हूँ दिल्ली उनको बर्थडे सरप्राइज देने के लिए। अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करने से पहले इस सफर में इंजर्ड हुए अपने शूज को बाय बाय बोलकर टाइम आ गया है बिग गन्स को निकालने का, क्योंकि आने वाला ये सफर बहुत ही ज्यादा इंटेंस और बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होने वाला है, जो कि है दिल्ली से ले, वो भी HRTC की लोकल बस में। 36 घंटों की कभी ना भूलने वाली ये बस जर्नी में अकेला नहीं बल्कि अपने दोस्त बाबा के साथ पूरा कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से हम ये बस बोर्ड करने का ट्राई कर रहे हैं पर मौका आज मिला है। और मजे की बात देखो भाई, ये सर्विस ओपन रहती है जून से मिड सितंबर, और ये बस जो आज हमने बोर्ड करी है ये इस सीजन की सेकंड लास्ट बस है। पहले दिन बस हमें ले जाती है दिल्ली से मनाली, जहां पर छोटे से ब्रेकफास्ट ब्रेक के बाद अटल टनल पार करके हम आ जाते हैं केलांग। हिमाचल की लाहौल वैली के इस शहर में आज हमें एक रूम देखकर रात बितानी है, क्योंकि सबसे आइकॉनिक रूट ले मनाली हाईवे पर हमारी जर्नी की शुरुआत होगी इसी बस में कल सुबह 5 बजे। इस पूरे एक्सपीरियंस का फुल व्लॉग भी जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा, मिलते हैं कल। दिल्ली टू ले बस जर्नी के दूसरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे केलांग से। वो कहते हैं ना कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, ये बस जर्नी उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। इतनी चैलेंजिंग राइड में भी ये बस पूरी की पूरी पैक्ड होती है हमारे जैसे ट्रैवल एंथुजियास्ट से, जो सिर्फ ये जर्नी एक्सपीरियंस करने आए हैं। ये अंकल जी तो अपने बेटे के साथ ऑल द वे केरला से आए हैं सिर्फ ये जर्नी का मजा लेने, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये बस इतने सुंदर लैंडस्केप्स, इतनी बढ़िया रोड्स और 3 high altitude माउंटेन पासेस से हो गुजरती है, वो भी सिर्फ 1755 रुपए में। कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ 36 घंटे का ये सफर पूरा करके शाम के 6 बजे हमारी बस पहुंच जाती है ले। अब इस जर्नी की बाकी सारी डिटेल्स और एक्सपीरियंस कल फुल व्लॉग में शेयर करता हूँ, तो मिलते हैं कल। दिल्ली से एक बस लेकर मैं ले आ तो गया, पर जो नेक्स्ट सुबह मेरे सर में दर्द होता है ये साइंस है AMS के, जो अक्सर आपको हो सकता है जब आप प्लेन से सीधा हाई ऑल्टीट्यूड पर आ जाओ। इसलिए खुद को बेटर फील कराने के लिए मैं वही करता हूँ जो रिकमेंडेड है, खूब सारा पानी पीता हूँ फिर सुसु जाता हूँ, पानी पीता हूँ फिर सुसु जाता हूँ। शाम को जब थोड़ा बेटर लगता है तब ले मार्केट देखने निकलता हूँ, जो हर बार पता नहीं कैसे और भी ज्यादा सुंदर लगती है। यहाँ का मजा और भी बढ़ जाता है जब बाबा अपना गिटार निकालता है और देखते ही देखते काफी लोग अपने आप आकर हमें ज्वाइन करते हैं, साथ में नाचने गाने लग जाते हैं। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि जैसा सुकून भरा माहौल बाबा बना सकता है वैसा कोई और नहीं कर सकता। इसने और इसके गानों ने लाइफ में बहुत मदद करी है मेरी। बाबा का एक यूट्यूब चैनल भी है, लिंक्स कमेंट्स में है, जरूर चेक कीजिएगा। और लद्दाख का अपना ये सफर हम कल से शुरू करेंगे, क्योंकि आज इतने लंबे सफर के बाद एक्लिमेटाइजेशन और ये सुकून भरी शाम की बहुत ज्यादा जरूरत है। ले में एक्लिमेटाइजेशन के बाद आज मुझे बड़ा मस्त लग रहा है, इसीलिए लेट्स गो। ये ट्रांजिशन में कपड़े बदलते हुए एक मिनट ना जरा पानी भी पी लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं। आज ले में अपने होम स्टे से निकलकर हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जिसको मैंने बाहर से तो बहुत बार देखा है पर कभी अंदर जाना नहीं हुआ। फिर फुल ZNMD वाली फील्स लेते हुए रेंट की हुई बाइक से हम आ जाते हैं थिक्से मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री सेंट्रल लद्दाख की लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है और यहाँ हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होते हुए, पर वो सारी दिक्कतें हम भूल जाते हैं जैसे ही इस टेम्पल में एंटर करते हैं। बाहर सनसेट होने की वजह से हमें कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा होता है, पर जैसे ही मैं आंखें बंद करके खोलता हूँ ठीक उसी समय टेम्पल की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और मैत्रेय बुद्धा को हम बहुत अच्छे से देख पाते हैं। सोचा तो था कि बाइक पर जरा आगे और जाएंगे, पर फिर जब तक टेम्पल बंद नहीं होता तब तक हम दोनों वहीं बैठे रहते हैं और सुकून से पूरा समय निकाल देते हैं। सुबह के बजे 5 और अभी हम लोग एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ जाने के लिए पर्सनली मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हमारी कोई बस की बुकिंग नहीं है, बस वाले ने बोला था सुबह 5:30 बस स्टॉप आ जाना, सीट होगी तो दे दूंगा अगर कोई कैंसिल करेगा तो। अब हम सुबह सुबह लद्दाख की गलियों से होते हुए बस के पास पहुंच तो जाते हैं पर सीट नहीं मिलती। फिर आगे टैक्सी स्टैंड जाते हैं इन होप कि शायद यहाँ पे बस मिल जाए, पर वो भी नहीं मिलती। बिना मन के शेयर टैक्सी ले लेते हैं। अब मन क्यों नहीं था शेयर टैक्सी में जाने का, एक तो टैक्सी में पैसे भी ज्यादा लग रहे थे और मेरे को वो बंदा भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था।
पता नहीं कुछ खास हुआ नहीं था, पर दिल बड़ी जोरों से कह रहा था कि नहीं, इसके साथ तो नहीं जाना चाहिए। और तभी पावा का फोन बजता है। वही सुबह बस वाला भाई कॉल करता है और एक दूसरे टेम्पो का नंबर देता है जो जल्दी कारगिल निकलने वाला था। और मेरा दिल क्या खुश हो जाता है। अब रैशनली और प्रैक्टिकली टैक्सी ज्यादा सेंस बनाता है क्योंकि टेम्पो दोपहर बाद निकलेगा। पर दिमाग की सुनकर मुझे क्या ही मिला है, दिल जो बोलता है मैं उस पर ज्यादा ध्यान देता हूँ, इसलिए फिर हम टॉस करते हैं। हेड आ गया। अब हम ट्रैवलर में जाएंगे। अब ये टेम्पो लेके मैंने सही किया या गलत ये तो कल पता चलेगा। तो क्या अपनी गट पे ट्रस्ट करके शेयर्ड टैक्सी छोड़कर 5 घंटे टेम्पो का वेट करना वर्थ इट था? आप खुद ही देख लो। पूरा का पूरा टेम्पो खाली था भाई। अच्छा चलो एक भाई साथ में और थे, मगर 14 सीटर टेम्पो में हम खाली 3 लोग थे। कहाँ सीट के लिए परेशान हो रहे थे, अभी एक सीट सामान को दे रखी, थोड़ा वॉक कर लियो। फिर क्या हम मौज मनाते हैं, पूरा रास्ता ट्रैवल करते हैं। पर इस वीवीआईपी ट्रीटमेंट में रुकावट आ जाती है जैसे ही कारगिल के रास्ते में हमारी टेम्पो खराब हो जाती है। पर सच बता रहा हूँ भाई, मेरे को 1% हैरानी नहीं होती है। वो कहते हैं ना, खैर कुछ देर के बाद एक ड्राइवर भाई और आते हैं जिनकी हेल्प से हमारा टेम्पो ठीक हो पाता है और सनसेट के ठीक बाद हम पहुंच जाते हैं कारगिल। लद्दाख का ये पार्ट मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा है, इसलिए आखिरी के कुछ दिनों में बहुत मजा आने वाला है। '99 की कारगिल वॉर में हमारे वीर जवानों के बहादुरी के किस्से तो हम सभी ने सुने हैं, पर वही सब आज मैं देखने आया हूँ। फैम ने तो लिटरली वॉलपेपर भी उसी जगह का लगाया है, टाइगर हिल। फिर फैम जो हमारी द्रास की ही लोकल फ्रेंड है, वो हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ से टाइगर हिल का बेस्ट व्यू मिल पाए, और ये है पूरी वैली को टावर करता हुआ टाइगर हिल। सोचकर ही इतनी हैरानी होती है कि जब पाकिस्तानी आर्मी इस टॉप के ऊपर आ बैठी थी तो कितनी ही मुश्किलों का सामना करते हुए हमारे वीर जवानों ने उन्हें वहां से मार भगाया होगा। इतनी ऊंचाई से एक पत्थर भी गोली के जैसे आकर लगता है। फिर हैवी एम्यूनिशंस की तो बात ही छोड़ दो। टाइगर हिल के ठीक लेफ्ट में है बत्रा टॉप, जहां कैप्टन विक्रम बत्रा वीरगति को प्राप्त हुए थे। कैप्टन ने इतना डर पैदा कर दिया था पाकिस्तानी के दिल में कि वो उन्हें शेरशाह बुलाने लगे थे। और इस वीडियो के अंदर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, बल्कि ये सब फैम खुद गा रही थी वहीं की लोकल लैंग्वेज का एक सॉन्ग। आज सुबह 6 बजे ही शेयर टैक्सी लेकर हम जा रहे हैं कारगिल से जंस्कार। जंस्कार लद्दाख की एक काफी रिमोट वैली है जहां जाने के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं। बट वेट अ मिनट, मुझसे भी ज्यादा कोई एक्साइटेड है तो वो है लोटस भाई। ये हमारी शेयर टैक्सी के ड्राइवर है और हर बार मैं कैब वाले भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जी प्लीज यहाँ रोक दीजिए, यहाँ थोड़ी फोटो लेने दो। पर इस ट्रिप पर मुझे लोटस भाई से कहना पड़ रहा है कि भाई जी बहुत फोटोज ले ली, अब चलो। बस लाइफ में लोटस भाई के जितना चिल होना है। सच में अगर कारगिल से जंस्कार में किसी के भी साथ और जाता तो इतना मजा नहीं आने वाला था, क्योंकि लोटस भाई रास्ते में रुक रुक कर हमें सब जगह दिखाते हैं, फेमस ननकुन पीक से लेकर द्रंग द्रुंग ग्लेशियर। वो बहुत क्रेजी है ये, देखो। सियाचिन के बाद द्रंग द्रुंग इज लाइकली टू बी द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ लद्दाख, जो कि है 23 किलोमीटर लंबा। यहाँ पर थोड़े वियर्ड पोजेस में फोटो खिंचवाकर हम आ जाते हैं पदुम, जो कि जंस्कार का मेन टाउन है, और कल जो यहाँ से एडवेंचर शुरू होगा उसमें बहुत मजा आने वाला है। आज हम जा रहे हैं पदुम से फुक्तल मोनेस्ट्री, जहाँ जाने के लिए आपको प्राइवेट व्हीकल या फिर 8,000 रुपए की प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ती है, और हमारे पास तो दोनों ही नहीं थे। पर इस बार एक किस्मत नहीं, लोटस भाई कम्स टू द रेस्क्यू और वो एक पिकअप में हमें लिफ्ट दिलवा देते हैं। इनके साथ चले जाओ, सेफ्टी हो जाएगा सर, बढ़िया। और वो पिकअप वाले भाई हमें फिर एक मैगी का पैकेट पकड़ा देते हैं, जिसको जब हम हाइक करते करते थक जाते हैं तब खाते हैं। फुक्तल मोनेस्ट्री एक बहुत ही ड्रीमी सी जगह है, जहाँ जाने के लिए आपको 2.5 घंटे वॉक करना पड़ता है, पर रास्ता ऐसा हो तो क्या ही दिक्कत है। आधे रास्ते होते हैं जब हमें पता चलता है कि हम इंसानों वाले रास्ते से तो जा ही नहीं रहे। सही में भाई, वो सामने वो है इंसानों वाला रास्ता, और अभी हम जहाँ चल रहे हैं वहां से घोड़े जाते हैं। टू मच एडवेंचर और स्ट्रगल, और टू मच एडवेंचर के बाद हम आ जाते हैं फुक्तल मोनेस्ट्री, जहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है, जो कि मैं कल शेयर करूंगा। तो मिलते हैं कल। अब लद्दाख आने की मेरी सिर्फ एक ही वजह थी, मुझे इस 2,500 साल पुरानी मोनेस्ट्री में एक रात बितानी थी। पर जब हम 2.5 घंटे का हाइक करके यहाँ पहुँचते हैं तो पता लगता है कि मोनेस्ट्री में टूरिस्ट का स्टे करना अलाउड नहीं है, नीचे गेस्ट हाउस बना हुआ है वहाँ रुक सकते हैं। मन उदास होता इससे ही पहले कुछ जादू चलता है और हम मोनेस्ट्री में एक रात बिता पाते हैं, मॉन्क्स के साथ डिनर कर पाते हैं। मुझे नहीं पता कि हर बार कैसे कुछ जादू चल जाता है और मैं इन चीजों से बड़ी ही आसानी से बाहर निकल आता हूँ। कुछ बातें मेरे दिमाग में थोड़े दिनों से आई बैठी हैं, जिनको जल्द ही एक फुल वीडियो में शेयर करूंगा। इस मोनेस्ट्री में मैं कैसे रुक पाया, यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, सब कुछ जल्दी थोड़े से पर्सनल एक फुल वीडियो में संडे को शेयर करता हूँ। अब मोनेस्ट्री आने से ज्यादा बड़ा टास्क था यहाँ से वापस निकलना, क्योंकि हमारे पास गाड़ी थी नहीं और टैक्सी का मिलना बहुत ही मुश्किल था।
हम फंसते परेशान होते इससे पहले ही दूर से चलते हुए एक मॉन्क दिखते हैं। पता चलता है कि वो भी पदुम जहाँ हमें जाना है वहीं जा रहे हैं। लिफ्ट मिल तो जाती, बस दिक्कत ये थी कि मॉन्क बहुत तेज ट्रैक करते हैं और वो देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं। मगर हम भी अपनी स्पीड बढ़ाकर जितना तेज हो सकता है उतनी तेज चलने लगते हैं। मुझे खुद पर ही यकीन नहीं हुआ जब मैंने वो पूरी की पूरी हाइक एक घंटे में ही पूरी कर ली, पर फिर भी मॉन्क कहीं नहीं दिखे। शायद वो हमें छोड़कर ही चले गए हैं। हम लोग चलते चलते गांव आ गए, पार्किंग बहुत पीछे रह गई भाई, हमने बहुत तेजी से कर लिया। कसम से हम एक सवा एक घंटे में ना पूरा मॉनेस्ट्री से लेके यहाँ तक पहुंच गए भाई। पार्किंग तक तो एक घंटे में पहुंच गए। वो पार्किंग देखो, ये पार्किंग है, एक गाड़ी वहां से आती हुई तो दिख रही है। और हम बहुत ही आराम से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि मैं रात में ट्रैवल कर रहा हूं तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा किस्सा है जो मैं इस ट्रिप के एंड में ही शेयर करना चाहता था। बात है मुंबई की। जब मैं एक ऑटो वाले दादा से मुझे कहीं ले जाने के लिए पूछता हूँ, पहले तो वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि कोई कैब ले लो, वहाँ कोई ऑटो नहीं जाएगा। मैं उनसे बस इतना पूछता हूँ कि आप नहीं जाओगे या कोई भी ऑटो वहाँ नहीं जाएगा। मुझे नहीं पता उन्हें क्या होता है, वो बोलते हैं कि आओ बैठो, मैं तुम्हें फ्री में ही ले चलता हूँ। मैं फिर जाता पूरे पैसे देकर ही हूँ और फिर उनसे रस्ते में पूछता हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि वो मेरे को फ्री में ले जाने को रेडी हो गए। जिस पर वो कहते हैं कि जिस तरह से मैंने उनसे पूछा उन्हें बड़ा अच्छा लगा, एक रिस्पेक्ट फील हुई। और मैंने जबकि बहुत ही नॉर्मली पूछा था। मुझे इस पर और कुछ नहीं कहना है, बस बेसिक रिस्पेक्ट और काइंडनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी का दिन कैसा जा रहा हो हमें उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है। जरा मीठा बोलने से अगर सामने वाले को अच्छा लगता है तो उसमें हर्ज ही क्या है। मेरा लाइफ का पहला सोलो ट्रिप एक टोटल डिजास्टर था। 4 दिन के लिए ट्रिप पर निकला था पर मैं उसे पूरा करे बिना सिर्फ 2 दिन में घर वापस भाग आया था। और आज ये 100 दिन पूरे करके बाबा को बाय बाय बोलने के बाद भी मैं घर नहीं लौटता। अभी थोड़ी सी इच्छा और बाकी है, इसीलिए अगले 5 दिनों के लिए मैं अकेला निकल जाता हूँ। पर इस बार मैं सिर्फ घूमता हूँ, एक जगह पर सुकून से बैठता हूँ और कोई भी खास वीडियो नहीं बनाता। इसलिए उन दिनों में क्या क्या हुआ वो सब तो नहीं बता पाऊंगा, पर क्योंकि ये सीरीज कल खत्म हो जाएगी तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हो प्लीज करो, बस चल दो उस तरफ। चीजें जितनी टफ हमें लगती हैं उतनी एक्चुअल में होती नहीं है। बस राह पर निकल पड़ो और देखो कैसे जादू चलता है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो। तो आपको कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना हो, कोई एग्जाम क्लियर करना हो या फिर लाइफ से कुछ भी चाहिए हो, बस चल दो उसकी तरफ और सब अपने आप ही हो जाएगा। इस सीरीज की एक आखिरी वीडियो के लिए मिलते हैं कल। अपने 100 दिनों के एडवेंचर की शुरुआत मैंने करी बनारस से, जहां पर 5 दिन बिताकर मैं निकल गया नॉर्थ ईस्ट की ओर। गुवाहाटी से शिलोंग, शिलोंग से तूरा जहां गारो ट्राइब से मिलकर मैं जाता हूं चेरापुंजी, फिर वहां से इम्फाल, कोहिमा, फिर म्यांमार मौन डिस्ट्रिक्ट का लोंगवा विलेज, वहां से पीठ तोड़ देने वाली रोड जर्नी के बाद एक फेरी लेकर पहुंचता हूं माजुली, फिर जीरो, फिर नाहरलगन से डिब्रूगढ़ जहां से इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन लेकर मैं आ जाता हूं कन्याकुमारी, वर्कला, एलपी, कोची, देन मैसूर के पास से सचिन भाई के साथ 3 दिन में 70 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके पहुंचता हूं बैंगलोर, फिर वहां से हम्पी, गोकर्णा, गोवा, पुणे, अजंता एलोरा की गुफाएं देखकर पहुंचता हूं मुंबई, और वहां से दिल्ली आकर HRTC की बस से आ जाता हूं लेह, फिर वहां से कारगिल, द्रास, पादुम और फिर फुक्तल मोनेस्ट्री में एक रात बिताने के बाद मैं वापस दिल्ली लौट आता हूं। इन 100 दिनों के सफर में मैंने स्पेंड किए 1,27,680 रुपए। सफर में मेरे साथ चलने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं फिर कभी।